हेलो फ्रेंड्स जॉन टेक डिजिटल क्लासरूम में आपका स्वागत है आज हम बी सी टी क्यू सीरीज में एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग सब्जेक्ट के क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है द फर्स्ट क्वेश्चन इज इन लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड जो हमारा लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड है एस्टिमेशन का उससे रिलेटेड क्वेश्चन है तो इन लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड ऑफ एस्टिमेशन लेंथ ऑफ वॉल इज देंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द वॉल एंड प्लस ये ऐसा बोल रहे हैं कि जो लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड है उसमें जो लॉन्ग वॉल होगा हमारा जो लॉन्ग वॉल की लेंथ होगी वो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन दी वॉल्स एंड प्लस और उसमें आप क्या चीज ऐड करते हो ठीक है तो इसके लिए हम देखते हैं कि लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड में हम किस तरीके से एनालाइज करते हैं <coughs> तो इसके लिए सपोज करते हैं कि हमारा जो बिल्डिंग प्लान है वो रेक्टेंगुलर है ठीक है और हमें अभी विर्थ ऑफ वॉल गिवन है यहां पर इन दोनों की विर्थ ऑफ वॉल डब्ल्यू वन है इसकी डब्ल्यू टू और इनकी ठीक है चारों जो वो है, वो भी आपकी डिफरेंट हो सकती है ठीक है है तो ये आमने सामने वाली W1 है, और अगर ये ये है 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 अब आपको 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 क्या कि वाली और पूछा है कि लॉन्ग वॉल की लेंथ कितनी होगी ठीक है तो हम लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल मेथड में इस तरीके से analyze करते हैं कि हम आउटर टू आउटर डिस्टेंस को तो बोल देते हैं लॉन्ग वॉल जो आउटर टू आउटर लॉन्ग डिस्टेंस उसको लॉन्ग वॉल बोलते हैं और जो इनर टू इनर है इसको हम बोल देते हैं शॉर्ट वॉल ठीक है जब लॉन्ग वॉल को इसकी विथ से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये वाला एरिया कवर हो जाएगा ठीक है इस लॉन्ग वॉल को आपने विड से मल्टीप्लाई कर दिया तो यह वाला एरिया कवर हो गया उसी तरीके से इधर भी सेम आपकी लॉन्ग वॉल है। और इसको जब विट से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका यह वाला एरिया कवर हो जाएगा बचा कौन सा ये रेक्टेंगुलर यह रेक्टेंगुलर यह कैसे निकालोगे आप इसके लिए आप इस शॉर्ट वॉल को विड से मल्टीप्लाई करोगे तो यह आपका पूरा एरिया कवर हो गया फिर इसको आप हाइट से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको जो वॉल्यूम है जो क्वांटिटी है वो मिल जाएगी ठीक है <coughs> तो ये तो मेथड है लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल का कि आपको कोई भी प्लान गिवन है तो आप आउटर टू आउटर डायमेंशन ले लोगे जो लॉन्ग वाली है इनर टू इनर डायमेंशन ले लोगे जो शॉर्ट वाली है ठीक है और उसको फिर जब विड्थ से मल्टीप्लाई करोगे तो रेक्टेंगुलर प्लान में दो लॉन्ग वॉल और दो शॉर्ट वॉल आपको मिलेगी ठीक है अब क्वेश्चन में आपसे पूछा है आपको गिवन है सेंटर टू सेंटर सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन वोल्स और उसमें आप क्या ऐड करोगे कि आपको लॉन्ग वोल की लेंथ मिल जाएगी ठीक है तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस आपको ये वाली गिवन है ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है और आपको लॉन्ग वोल अगर चाहिए तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ये कहां से ये इसके सेंटर से पास हो रहा है ये इसके सेंटर से पास हो रहा इनके है इनके बीच के डिस्टेंस है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ठीक है लॉन्ग वॉल क्या हो जाएगी लॉन्ग वॉल ये होगी कि जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है उसमें मैं ये वाला पोर्शन ऐड करूंगा ये कितना है ये डब्ल्यू बाई टू है और ये डब्ल्यू टू है और ये इधर जो है ये भी हमारा डब्ल्यू टू हमने लिया है ठीक है ये सारी विड्थ भी आपकी डिफरेंट हो सकती है ठीक है तो जब आप लॉन्ग वॉल निकालोगे तो लॉन्ग वॉल आपकी क्या हो जाएगी इस सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस में आप इधर से ऐड कर दोगे डब्ल्यू टू बाई टू इधर से आप ऐड कर दोगे डब्ल्यू टू बाई टू ठीक है तो आप क्या कर रहे हो दोनों तरफ की जो वॉल है उनकी को कर रहे हो, <coughs> दोनों तरफ की डब्ल्यू टू बाई टू ठीक है ये हमारी लॉन्ग वॉल है ठीक है शॉर्ट वॉल क्या होगी शॉर्ट वॉल में हम ये वाली जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होगी ये जो यहां से यहाँ तक की जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होगी शॉर्ट वॉल क्या होती है हमारी इनर वाली डिस्टेंस तो हम क्या करेंगे ये हाफ और ये वाला हाफ उसमें से माइनस करेंगे ठीक है शॉर्ट वॉल के लिए आपको विड्थ ऑफ वॉल को माइनस करना पड़ेगा लॉन्ग वॉल के लिए आपको एड करना पड़ रहा है ठीक है अब अगर हम ऑप्शंस देखें <coughs> तो इसमें आप क्या कर दोगे प्लस विर्थ ऑफ वॉल ऑफ वॉल हम ऐड करते हैं लेकिन विथ कौन सी वाली जब आपके सभी तरफ W सेम है तब तो आपका क्या हो जाएगा विद्थ ऑफ वोली लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि सब तरफ आपकी W की वैल्यू सेम हो तो क्या होगा दोनों तरफ की वोल की विर्थ को हम ऐड करेंगे तो सेकंड पोर्शन है हाफ विर्थ ऑन वोल ऑन ईच साइड ये आपका मोस्ट एप्रीप्रिएट है ये ऑप्शन तब सही होता ऑफ विफ ऑफ वॉल इज सेम थ्रू आउट थ्रू आउट आपकी वेट तो वॉल अगर सेम होती तब आपका ये वाला ऑप्शन सही होता वन फोर्थ आपका गलत है नन ऑफ दीज आपका गलत है तो जो आपका आंसर है सही वो है आपका बी ऑप्शन ठीक है क्लियर है अगर सब तरफ आपका विर्थ सेम होती तब हमारा ए ऑप्शन सही होता लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि विर्थ आपकी सेम हो डिफरेंट भी हो सकती तो जो दोनों तरफ की वॉल आ रही है ईच साइड ऑफ वॉल का हाफ हाफ जो विर्थ है उसको हम एड कर देंगे ठीक है फॉर दी लॉन्ग वॉल सेकेंड क्वेश्चन इज कंसिडर्ड फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स फॉर एग्रीमेंट टू बी साइंड फॉर ए कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट किसी भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को साइन करने के लिए कितने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है कंसिडर दी फॉलोमिंग रिक्वायरमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है फॉर दी एग्रीमेंट टू बी साइन फॉर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट कोई भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को के एग्रीमेंट को साइन करने के लिए जो आपको डॉक्यूमेंट चाहिए उनकी यहाँ पर लिस्ट है तो इसमें से कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड है ठीक <coughs> तो है तो फर्स्ट है लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस जो आपका एग्रीमेंट होगा जो कॉन्ट्रैक्टर होगा और जो क्लाइंट होगा उनके बीच में तो उनके बीच उनके उन दोनों के बीच में एक लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस होगा जनरल कंसीडरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट उस जनरल कंडीशंस ऑफ़ कॉन्ट्रैक्ट तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट होगा उसकी जनरल कंडीशंस होगी किस टाइम पीरियड पर आपको कंप्लीट करना है किस तरह के मटेरियल यूज़ करने हैं कंडीशन ऑफ पर्टिकुलर एप्लीकेशन उससे रिलेटेड कुछ कंडीशंस होगी आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस उसमें होंगे कि आ, किस आ, आपका किस जैसे स्टील स्ट्रक्चर्स का है या कंक्रीट स्ट्रक्चर्स का है आरसीसी करनी है आपको या प्लेन कंक्रीट करनी है तो वो सारी चीज़ें इसमें होंगी ड्राइंग आपकी इसमें होगी ड्राइंग के बिना आप बना ही नहीं पाओगे ड्राइंग भी उसमें इंक्लूड होनी चाहिए और प्राइस बिल ऑफ क्वान्टिटिटीज़ बिल ऑफ क्वान्टिटीज़ में जो आपकी क्वान्टिटीज़ जितनी यूज़ होनी है वो सारी इसमें योगी जिसके अकॉर्डिंग आपने एस्टिमेशन निकाला होगा ठीक तो है, है तो सारी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व होती है ये सारी चीज़ें रिक्वायर्ड है तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो होगा डी ठीक है तो एक तरीके से इसमें आपका इस क्वेश्चन से यह क्लियर हुआ कि ये सारे ले, लेटर वहां पर रिक्वायरमेंट है ठीक है ये सारी चीजें आपको रिक्वायर्ड है तो ये सारे इस पे बेस्ड आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है कि अगर आपको कोई एक ही ऑप्शन गिवन है और उसमें से वो सही निकालना है तो और आपको <coughs> ये पता होना चाहिए कि जब डॉक्यूमेंट साइन होगा तो जब आपका एग्रीमेंट साइन होगा कंस्ट्रक्शन वाला तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहां पर रिक्वायर्ड है ठीक है नेक्स्ट है आइटम्स ऑफ ब्रिक स्ट्रक्चर मीजर्ड इन स्क्वायर मीटर इज इसमें से किस आइटम का जो क्वांटिटी है वो स्क्वायर मीटर में मीजर्ड की जाती है ये आपसे पूछा गया है ठीक है क्वांटिटी वाले क्वेश्चन कई बार आते हैं आपके एग्जाम में और इनका यह है कि ढेरों क्वांटिटी है काफी सारी क्वांटिटीज है तो जितने आप क्वांटिटीज वाले क्वेश्चन सोल्व करोगे उतनी आपकी प्रोबेबिलिटी होगी कि आपका आंसर सही हो ठीक है क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ डिपार्टमेंट जिस तरीके का वर्क का डिपार्टमेंट है उसके अकॉर्डिंग वहां पर बहुत सारी क्वांटिटीज हैं ठीक है थीके? तो यहां पर हम देखते हैं इस में तो ब्रिक एजिंग जो होती है ये होती है मीटर में काउंट होती है या फिर इसको हम बोलते हैं रनिंग मीटर ब्रिक एजिंग क्या होती है ब्रिक एजिंग होती है अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोले तो जो आप ईट की क्यारी बनाते हो मिट्टी अगर कहीं मिट्टी है, आपने पौधे लगाए हुए हैं तो उसके साइड बाई साइड जब आप इस तरीके से ईट को लगा करके उसका आधा पोर्शन जैसे ईट ये है ब्रिक ये है आपकी ये मैं क्रॉस सेक्शन कटूं तो ये वाला तो सोइल के अंदर हो और ये वाला बाहर नजर आए तो इस तरीके से आपको नजर आएगा इसको हम बोलते हैं ब्रिक एजिंग तो ये रनिंग मीटर में कैलकुलेट होती है या मीटर में रीनफोर्स्ड ब्रिक वर्क जब आप ब्रिक मैसनरी करते हो तो उस, उसके अंदर ब्रिक मेसनरी की जो लेयर होती है उनके बीच में हम री मटेरियल प्रोवाइड करते हैं जिससे कि टेंसाइल स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है ठीक है तो ये भी आपका ये आपका मीटर क्यूब में कैलकुलेट होता है ब्रिक वर्क इन आर्चेज आर्चेज में जो आप ब्रिक वर्क करते हो <coughs> तो वो भी आपका मीटर क्यूब में काउंट होगा और जो ब्रोकन ग्लास कॉपिंग है ब्रोकन ग्लास कॉपिंग का मतलब ये कि जो आपकी बाउंड्री वॉल होगी जैसे ये आपकी बाउंड्री वॉल है तो यहां पर ब्रोकन ग्लास की कॉपिंग की जाती है ठीक है कई बार आपने देखा होगा जो बाउंड्री वॉल के ऊपर वाला पोर्शन है वहां पर है, जो कांच के टुकड़े बिछाए जा ठीक है तो उसको हम बोलते हैं ब्रोकर ग्लास कॉपिंग इसको हम मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं तो यहां पर अगर आप सही ऑप्शन देखोगे तो <coughs> जो आ, ए वाला ऑप्शन है वो सही है क्योंकि आपसे पूछा गया है कि आ, कौन किस आइटम को हम स्क्वायर मीटर में कैलकुलेट करते हैं तो ब्रोकन ग्लास कॉपिंग को हम स्क्वायर मीटर में मीटर स्क्वायर या फिर मीटर स्क्वायर मीटर में कैलकुलेट करते हैं ठीक है तो इससे क्या होगा आपकी तीन क्वांटिटीज और क्लियर हुई कि ब्रिक एजिंग को किस में किया जाता है कैलकुलेट ये इंपॉर्टेंट है ये पूछा भी जा सकता है कई बार पूछा गया है रिनफोर्स ब्रिक वर्क को किस में मेजर करते हैं ब्रिक वर्क इन आरचेज को किस में मेजर किया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन मेसन इन वन डे एक मेसन जो आपका चिनाई का काम करता है उसको हम बोलते हैं मेसन तो वन मैसन इन वन डे इज एक्सपेक्टेड टू डू ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ विद आर एक मैसन एक स्किल्ड लेबर जो होता है, होता है है स्किल्ड लेबर ठीक है जो किसी एक कार्य को करने में स्किल्ड है तो उसको स्किल्ड लेबर हम बोलते हैं तो जो मैसन का काम होता है चिनाई करना ठीक है जो मेसनरी करता है वो मैसन है तो मैसन एक दिन में फाउंडेशन और प्लिंथ में अगर मेसनरी करेगा तो कितनी मेसनरी वो कर सकता है इसको ये जो ये जो पूछा गया आपका ये क्वेश्चन आपका एनालिसिस ऑफ रेट से रिलेटेड है जो आप पढ़ते हो जो आप स्टडी करते हो तो किसी भी स्किल्ड लेबर की एक दिन में कोई पर्टिकुलर वर्क को करने की जो कैपेसिटी है वो उसका टास्क कहलाता है, है या फिर उसका टर्नआउट वर्क ठीक है तो कई बार इस तरह के डेटा बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं तो कोई भी स्किल्ड लेबर एक दिन में जिस चीज के लिए वो स्किल्ड है वो काम जो कर सकता है उसकी कैपेसिटी को उसका टास्क या टर्न आउट बोलते हैं ठीक है ठीके? तो यहां पे यही पूछा है कि जो एक स्किल्ड लेबर है वो फाउंडेशन ऑफ प्लिन में अगर उसको मैसनरी करनी है तो एक दिन में कितनी कर पाएगा विद दी हेल्प ऑफ बेलदार बेलदार तो ऑब्वियसली साथ में होंगे सही तो <coughs> इसके लिए जो आपका करेक्ट आंसर है वो वन मीटर क्यूब की मैसनरी एक दिन में एक स्किल्ड लेबर कर पाता है ठीक है किसमें लेकिन फाउंडेशन एंड थ में ठीक है और अगर उसे मैसनरी करनी है एन सुपर स्ट्रक्चर अगर उसे सुपर स्ट्रक्चर में मैसनरी करनी है तो उसके लिए जो उसका टास्क आएगा वो आएगा वन मीटर क्यूब पर डे ठीक है तो फाउंडेशन में अगर उसको मैसनरी करनी है तो 1.25 मीटर क्यूब पर डे कर रहा है और अगर आ उसको सुपर स्ट्रक्चर <coughs> में करनी है तो 1 मीटर क्यूब पर डे वो मैसनरी कर पाएगा ठीक है तो इसका क्या कंक्लूजन निकला कंक्लूजन ये है कि जो लेवल ऑफ एफर्ट्स हैं वो सुपर स्ट्रक्चर वॉल की मैसनरी में ज्यादा है इन कंपेरिजन टू फाउंडेशन एंड प्लेंथ मैसनरी ठीक है फाउंडेशन और प्लेन्थ में अगर उसको मैसनरी करनी है तो एक दिन में वन मीटर क्यूब की मैसनरी वो कर पा रहा है ठीक है और अगर उसको सुपर स्ट्रक्चर वॉल में मैसनरी करनी है तो वो एक दिन में वन मीटर क्यूब की मैसनरी कर पा रहा है ठीक है क्यों क्योंकि सुपर स्ट्रक्चर वॉल में जो मैसनरी करने के लिए लेवल एफर्ट है वो ज्यादा है और फाउंडेशन और प्लेथ में जो मैसनरी करनी है उसके लिए जो लेवल ऑफ एफर्ट है वो कम है इसी वजह से एनालिसिस ऑफ रेट्स में फाउंडेशन ऑफ प्लेन्थ के लिए जो रेट है वो अलग गिवन होती है और जो सुपर स्ट्रक्चर वॉल में मैसनरी की जो रेट है वो अलग गिवन होती है क्योंकि दोनों के लिए जो स्किल्ड लेबर का टास्क है एक दिन में जो कार्य करने की कैपेसिटी है जो कार्य करने की क्षमता है वो दोनों के लिए अलग अलग है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉलोइंग आइटम्स आर मीजर इन के फिर से हमने आइटम वाला क्वेश्चन लिया क्योंकि इससे इस टाइप इस के क्वेश्चन काफी आते हैं एग्जाम में तो इनमें से कौन किस आइटम को हम के में मीजर करते हैं ठीक है तो एक्सपैंडेड मेटल वायर नेटिंग जो आपके वायर की नेट होती है जाली होती है तो उसको हम मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं एम एस ऑफ वर्क में जो माइल्ड स्टील का री एनफोर्समेंट है ठीक है एम एस ग्रिल प्रोवाइडेड इन रूफ ओवर कोर्ट यार्ड आंगन छत पे जो आंगन होगा उसकी जो जाली होती है जो रेलिंग होती है जैसा अगर आपकी बालकनी है घर में तो बालकनी की जो जाली है जो लोहे की रेलिंग होती है जिसको आप पकड़ के खड़े होते हो ठीक है वो वो किस में मीजर की जाती है वो मीटर स्क्वायर में मीजर की जाती है एंड रोलिंग शटर रोलिंग शटर को मीटर स्क्वायर में मीज़र करते हैं रोलिंग शटर आप सबने एवरी डे लाइफ में देखा होगा जो शॉप्स के लिए जो शटर होता है वो जो ऊपर आप ऊपर करते हो उसको तो वो रोल हो जाता है ठीक तो है तो उसको रोलिंग शटर बोलते हैं तो ये मीटर स्क्वायर में मीज़र किया जाता है यहाँ क्या पूछा था फॉलोइंग आइटम मीजर्ड आइटम्स आर मेजर्ड इन के तो हमारा जो एम एस ऑफ आर वर्क है वो के में किया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यू टू चेंज इन प्राइस लेवल ए रिवाइज एस्टिमेट इज प्रिपेयर्ड प्राइस लेवल में चेंज आ गया तो रिवाइज एस्टिमेट बनाया जाएगा इफ दी सेंक्शन एस्टिमेट एक्सीड सेंक्शन एस्टिमेट से जो आपका कॉस्टिंग आ रही है बिल्डिंग की वो अगर एक्सीड हो जाती है तो रिवाइज एस्टीमेट बनाया जाता है तो कितने परसेंट से अगर एक्सीड हो जाएगी तो रिवाइज एस्टीमेट बनाया जाता है तो ये वही फिर से डेटाबेस क्वेश्चन है इस सब्जेक्ट में इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं तो अगर आपने एस्टिमेट किया और आप वर्क आपने स्टार्ट कर दिया तो जो आपकी एक्चुअल कॉस्टिंग है वो एस्टिमेटेड कॉस्ट से अगर पाँच से ज़्यादा से इंक्रीज हो गई वेरिएशन फाइव से ज़्यादा है तो हम उस केस में रिवाइज एस्टिमेट बनाएंगे तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो होगा डी नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एक्सपेक्टेड आउटटन फॉर अर्थवर्क इन एक्सकेवेसन इन ऑर्डिनरी सोइल पर लेबर पर डे फिर से ये टास्क वाला क्वेश्चन है तो एक स्किलबर की <coughs> एक द एक्सपेक्टेड आउट टर्न एक स्किल का या फिर जब आप एक्सकेवेशन करते हो तो उसके लिए स्किलबर नहीं उसके लिए बेलदार का यूज होता है ठीक है तो एक बेलदार ऑर्डिनरी सोइल में पर डे में कितनी एस्केवेशन करेगा मतलब उसका टास्क क्या होगा उसका टर्नआउट वर्क क्या होगा एक बेलदार की एक दिन में जो ऑर्डिनरी सॉइल में एक्सकेवेशन करने की जो क्षमता है वो कितनी होगी वो यहाँ पर पूछा है ठीक है तो यहाँ पर हमारे पास तीन डेटा होंगे एक तो थ्री मीटर क्यूब एक हम बोल रहे हैं टू मीटर क्यूब और एक हम बोल रहे हैं वन मीटर क्यूब ठीक है थ्री वाली तो होती है ऑर्डिनरी सॉइल या इसको हम बोलेंगे सॉफ्ट सॉइल ऑर्डिनरी सोइल या सॉफ्ट सॉइल बोलेंगे या आपकी हार्ड सॉइल हार्ड सॉइल में अगर एस्केवेशन करेगा और ये होगा रोकी स्ट्रेटा ठीक है आपसे पूछा ऑर्डिनरी सॉइल तो ऑर्डिनरी सॉइल के लिए तो ए ऑप्शन है ठीक है हार्ड सोइल में अगर करेगा एस्केवेशन तो एक दिन में टू मीटर क्यूब की एस्केवेशन होगा और अगर रोकी स्ट्रेटा में करेगा तो एक दिन में वन मीटर क्यूब का एक्सकेवेशन होगा ठीक है तो अब आप कंपेयर करो तो एक दिन में ऑर्डिनरी सॉइल में जितना एस्केवेशन कर पा रहा है उसका डेढ़ गुना कम एस्केवेशन किस में कर पा रहा है हार्ड सॉइल में और अगर रोकी में करेगा तो उसका लक उसका �right, जस्ट तीन गुना कम वो एक्सकेवेशन कर पाएगा ठीक है तो ऑर्डिनरी सोइल में एक बेलदार की एक दिन में कार्य करने की क्षमता कितनी है कि वो तीन मीटर क्यूब की एक्सकेवेशन कर पा रहा है ठीक है हार्ड सोइल में कितना कर पा रहा है टू मीटर क्यूब और जो रोकी स्ट्रेटा उसमें वन मीटर क्यूब की वो एक्सकेवेशन कर पा रहा है हमसे यहाँ पर पूछा था ऑर्डिनरी सोइल तो ए ऑप्शन हमारा ठीक है ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वेट ऑफ 20 एम एम डायमी बार पर मीटर लेंथ इज अप्रोक्सीमेटली ठीक है 20 एम mm एम की डायमीटर की री बार है उसका पर मीटर का वेट कितना है ठीक है तो इसके लिए डायरेक्टली <coughs> वैसे तो डायरेक्टली हम बोल देते हैं या डायरेक्टली जो आ, <coughs> जो यूज किया जाता है साइड पे तो बोलते हैं कि जो डी स्क्वायर बाई 162.5 है वो पर मीटर वेट होता है ठीक है री बार का पर मीटर वेट कितना होता है डी स्क्वायर बाई वन सिक्सटी टू डी है डायमीटर ऑफ ऑफ री बार ठीक है किसकी माइलिस्ट चीज तो डी के यहां पर डायमीटर है डायमीटर किस में है एम एम में डायरेक्ट रखोगे डायरेक्ट आपको पर मीटर वेट मिल जाएगा ठीक है तो <coughs> आया कैसे एक बार इसको हम देख लेते हैं आपको निकालना पर मीटर वेट री बार की एक मीटर की जो री इन्फोर्समेंट बार बार है उसमें कितना वेट है तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि जैसे कि ये आपकी रिनफोर्समेंट बार है <coughs> और इसका जो डायमीटर है वो डी है और इसकी लेंथ है एल ठीक है डेंसिटी कितनी होती है सेवन एट फाइव जीरो के जी पर मीटर क्यूब <coughs> ठीक है अब किस तरीके से आप वेट निकालोगे क्रॉस सेक्शन एरिया पाई बाई फोर डी स्क्वायर इंटू लेंथ इनटू टू 7850 जीरो आपको वेट दे देगा ठीक है पर मीटर निकालना है तो लेंथ चली जाएगी इसके डिवाइड में और डी आपको अगर mm में रखना है तो डी इंटू टेन की पावर माइनस थ्री इसका स्क्वायर इंटू सेवन एट फाइव जीरो वेट था के में और लेंथ हमने मीटर में डिवाइड कर दी ठीक है <coughs> इसको सिंप्लीफाई करोगे अगर आप सिंप्लीफाई अगर इसको करते हो into तो ये आएगा सिक्स पॉइंट वन सिक्स फोर इन टू टेन की पावर माइनस थ्री डी स्क्वायर के जी पर मीटर डिवाइड कर दोगे तो ये आ रहा है डी स्क्वायर बाई वन सिक्सटी टू पॉइंट टू वन सिक्स यह होता है आपका पर मीटर वेट ठीक है यही आपसे पूछा है तो आपसे पूछा है ट्वेंटी एम एम डायामीटर बार के लिए तो हम यहां पर ट्वेंटी रख देंगे डी की जगह तो ट्वेंटी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय वन सिक्सटी टू पॉइंट टू वन सिक्स ये कितना आएगा ट्वेंटी स्क्वायर डिवाइडेड बाय वन सिक्सटी टू पॉइंट टू वन टू पॉइंट फोर सिक्स फाइव एट के जी बीस एम एम डायमीटर की एक मीटर की जो री एनफोर्समेंट बार है उसका वेट होता है टू पॉइंट फोर सिक्स फाइव एट के जी तो यहां पर अगर हम ऑप्शन देखें तो टू पॉइंट फोर सिक्स फाइव हमारा आ रहा है तो जो आपका आंसर होगा टू पॉइंट फोर सेवन के जी ठीक है इस तरीके से एनालाइज किया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन इज डॉक्यूमेंट कंटेनिंग डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल द आइटम्स ऑफ वर्क ठीक है जितने भी कंस्ट्रक्शन आइटम्स है उन सबका डिटेल डिस्क्रिप्शन गिवन है बट देयर क्वांटिटीज आर नॉट mentioned उनकी कि क्वांटिटीज कितनी यूज हो रही वो मेंशन नहीं होगी टुगेदर विद देयर करंट रेट्स इज कॉल्ड ठीक है वो कौन सा डॉक्यूमेंट है जिसमें कंस्ट्रक्शन के सभी आइटम की करेंट रेट्स के साथ उसका डिस्क्रिप्शन गिवन होता है विदाउट द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल ठीक है विदाउट द क्वांटिटी ऑफ आइटम मतलब जैसे कि कंस्ट्रक्शन आइटम का मतलब ये हो गया कि प्लास्टर हो गया फ्लोरिंग होगी कॉन्क्रीटिंग होगी तो इतने जितने भी तरीके के कंस्ट्रक्शन आइटम्स है वो सब आपको विद डिस्क्रिप्शन और उनकी करंट रेट के साथ गिवन है लेकिन उनकी क्वांटिटीज उसमें गिवन नहीं है ठीक है तो वो क्या होगा तो वो जो चीज होती है वो हमारी होती है शेड्यूल ऑफ रेट या फिर उसको हम बोलते हैं बी एस आर उसको हम बोलते हैं बी एस आर बेसिक शेड्यूल ऑफ रेट बी एस आर शेड्यूल ऑफ रेट ठीक है बेसिक शेड्यूल ऑफ रेट्स उसको बोला जाता है जिसमें जितने भी कंस्ट्रक्शन आइटम है उन सबका डिस्क्रिप्शन विद देयर करंट रेट्स गिवन है फिर हम जब हम जब हम एस्टिमेशन करते हैं तो जो क्वांटिटी ऑफ मटेरियल हमारे कंस्ट्रक्शन में आ रहा है उस क्वांटिटी को इस रेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं रेट किस में गिवन होती है ये रेट गिवन होती है पर यूनिट क्वांटिटी में जैसे बोला जाएगा कि वन मीटर क्यूब की कॉन्क्रीटिंग की जो रेट आप कॉन्ट्रेक्टर को गिव दोगे वो किस में मिलेगा वो तो आपको शेड्यूल ऑफ रेट में मिलेगा या फिर उसको हम बोलते हैं बी बेसिक शेड्यूल ऑफ रेट्स ठीक है अब इसमें एक सी ऑप्शन है एनालिसिस ऑफ रेट्स क्या होता है तो जो रेट्स

विद इन द टाइम लिमिट्स एंड विद इन द कंडीशन में करने के लिए वो आपका क्या होगा टेंडर ठीक है दो डिफरेंट पार्टीज जिसमें एक क्लाइंट है एक कॉन्ट्रेक्टर है उनके बीच में एक एग्रीमेंट होगा किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक वर्क को विद इन द टाइम लिमिट पर्टिकुलर टाइम लिमिट और विद इन द कंडीशन जो कंडीशंस आपको सेटिस्फाई करनी उनके अकॉर्डिंग जो एग्रीमेंट होगा वो आपका क्या है टेंडर ठीक है एनालिसिस ऑफ रेट हमने डिस्कस कर लिया एक होता है एब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट एब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट बोलते हैं हम जो हमारा प्रीलिमरी एस्टिमेट होगा एस्टिमेट बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट होने से पहले जब हम किसी प्रोजेक्ट की रफ कोस्ट निकालने की कोशिश करेंगे रफ कोस्ट जिससे कि हमें फाइनेंशियल कंडीशन पता चल जाए तो उस टाइम पर जो एस्टिमेट होता है वो होता है प्रीलिमरी एस्टिमेट ठीक है और उसके बाद में आफ्टर देंशन भाई ये आपका जब तक प्रोजेक्ट की सेंक्शनिंग नहीं हो जाती उससे पहले तो हम करते हैं प्रिलिमरी एस्टिमेट और जब प्रोजेक्ट सेंक्शन हो जाता है तब टेंडर निकालने के लिए हम करेंगे डिटेल एस्टिमेट और डिटेल एस्टिमेट के अकॉर्डिंग हम फिर टेंडरिंग प्रोसेस को फॉलो करते हैं ठीक है थीके? तो एब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट को हम बोलते हैं प्रिलिमरी एस्टिमेट यहां जो पूछा है उसका आंसर है हमारे पास शेड्यूल ऑफ रेट और उसको हम बेसिक शेड्यूल ऑफ रेट भी बोलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉस्ट ऑफ मशीन इज टेन थाउजेंड विद ए यूजफुल लाइफ ऑफ टेन ईयर दस हजार की कोई मशीन है उसकी यूजफुल लाइफ है दस uh, साल इट्स डेप्रीशिएटेड कॉस्ट आफ्टर फाइव ईयर आपको पांच साल के बाद उसकी डेप्रिशिएटेड डेप्रीशिएटेड कॉस्ट बतानी है इफ द सेल्वेज वैल्यू इज वन थाउजेंड ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस ठीक है क्वेश्चन पूछा है कि किसी जो आपकी कोई मशीनरी है उसकी दस हज़ार कॉस्ट है और उसकी जो लाइफ है वो दस साल है ठीक है और जो उसकी सेल्वेज वैल्यू है जो सेल्वेज वैल्यू होगी जब उसकी यूटिलिटी ख़त्म हो रही है ख़त्म होने के बाद में जो उसकी दस साल के बाद में मतलब तो जो दस साल के बाद में उसकी यूटिलिटी ख़त्म हो रही है तो वहाँ पर उसकी जो कॉस्ट आ रही है वो आ रही है और ये जो डेप्रिसिएशन हो रहा है ये किस पर हो रहा है स्ट्रेट लाइन बेसिस पर ठीक तो है तो आपसे पूछा कि पाँच साल के बाद में कितनी कॉस्ट उसकी बची होगी ठीक है तो इस तरीके से है <coughs> ये कॉस्ट बोलें अगर इसको हम टाइम बोलें तो इस तरीके से आपका डेप्रिसिएशन हुआ यहाँ पर तो आपकी कॉस्ट थी दस हज़ार यहाँ पर थी आपकी एक हज़ार ये कब हो रही है टेन ईयर्स आपसे पूछा है फाइव ईयर्स में कितनी उसकी

पर ईयर डेप्रिसिएशन निकालेंगे यहां पर ये हो जाएगा दस हजार माइनस एक हजार डिवाइडेड बाई बी इससे आएगा ये नाइन हंड्रेड 900 हंड्रेड रुपीज पर ईयर का डेप्रिसिएशन हुआ ठीक है पांच साल में कितना हो जाएगा डेप्रिसिएशन एन फाइव ईयर्स इजल टू नाइन हंड्रेड इन टू फाइव फोर्टी फाइव हंड्रेड रुपीज ठीक है तो डेप्रिसिएटेड कोस्ट कोस्ट आफ्टर फाइव इयर्स ये कितनी होगी टेन थाउजेंड माइनस का फोर्टी फाइव हंड्रेड तो फाइव फाइव डबल जीरो ठीक है पचपन पांच हजार पांच सौ रुपए तो यहां पर जो आपका ऑप्शन होगा वो होगा डी ठीक है क्लियर है सिंपल क्वेश्चन था दस हजार रुपये स्टार्टिंग की कोर्स थी दस साल बाद उसकी वैल्यू एक हजार बची तो बोला पाँच साल बाद कितनी वैल्यू होगी उसमें जो डिप्रिसिएशन है वो स्ट्रेट लाइन मेथड से माना है कि कांस्टेंट रेट से आपका डिक्रीज होगा तो रेट निकाल ली कि हर साल कितना कम हो रहा है तो पाँच साल में जितना कम होगा जितनी एक्चुअल में कोर्स थी इनिशियल में उसमें से जो पांच साल में कम हुआ उसको हम माइनस कर देंगे ठीक है नेक्स्ट इज नंबर ऑफ बैग रिक्वायर्ड फॉर नंबर ऑफ बैग ऑफ सीमेंट रिक्वायर्ड फॉर 50 मीटर क्यूब ऑफ ब्रिक वर्क इन वन रेशो सिक्स सीमेंट मोटर इज अप्रॉक्सीमेटली ठीक है 50 मीटर क्यूब के ब्रिक वर्क के लिए सीमेंट के बैग्स आपको रिक्वायर निकालने हैं और आपका मोटार क्या है वो है वन रेशो सिक्स का ठीक है तो कोई वॉल है कोई मैसनरी है उसका वॉल्यूम कितना है 50 एम क्यूब ठीक है और आपको सीमेंट के कट्टे कितने लगे वो बताने तो अब इसके लिए कि जब हम मैसनरी की बात करते हैं ब्रिक मैसनरी की बात करते हैं तो जो आपका जो मोटार होगा मोटार का जो ड्राई वेट होगा अब यहां पे दो चीजें होती हैं एक तो आपका फिनिश्ड वॉल्यूम होता है मोटार का और एक आपका ड्राई वॉल्यूम होता है ठीक है जब आपसे बोला गया कि सीमेंट के कितने बैग्स लगेंगे तो सीमेंट के बैग्स जब आपको पता करने हैं तो आप उसके जब आपने ड्राई फॉर्म में सारी चीजें मिलाई होगी उस वॉल्यूम के अकॉर्डिंग आप बताओगे ना कि आफ्टर द मिक्सिंग एंड फिनिशिंग के बाद में जो वॉल्यूम आ रहा होगा क्योंकि फिनिशिंग से जब ड्राई फॉर्म में आप मिलाते हो और उससे जब फिनिशिंग तक आप जाते हो तब तक 25 परसेंट लगभग 20 से 25 परसेंट का जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जाता है ठीक है तो इसलिए हम बात करेंगे ड्राई वॉल्यूम की और जनरल कंसिडरेशन ये होता है कि जो वॉल का मेसनरी का जितना वॉल्यूम है उसका तीस ड्राई वॉल्यूम मोटार का यूज होता है जैसे मैं बोलूं कि दस एम क्यूब की आपकी मैसनरी है तो उसका तीस परसेंट कितना होगा तीन एम क्यूब का हमारा ड्राई वॉल्यूम ऑफ मोर्टार यूज होगा ठीक है तो यहां पर जो आपका पचास एम क्यूब है तो उसका तीस परसेंट वॉल्यूम तो ड्राई वॉल्यूम ऑफ मोटर होगा फिर उसको हम वन रेशियो सिक्स के अकॉर्डिंग हम निकाल लेंगे सीमेंट की कितनी क्वांटिटी लगी फिर सीमेंट की क्वांटिटी का वॉल्यूम में जो हमारा आएगा उसको हम वन बैग के वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ सीमेंट बैग हमें मिल जाएंगे ठीक है तो Dry volume of mortar is approximately, approximately thirty percent of वॉल्यूम ऑफ मैसनरी ठीक है जो मैसनरी का वॉल्यूम है उसका तीस परसेंट वॉल्यूम ड्राई मोटर के वॉल्यूम का होगा ठीक है तो यहां पर कितना होगा तो ड्राई वॉल्यूम ऑफ ऑफ मोटर वो होगा पचास इंटू तीस डिवाइडेड बाई होगा फिफ्टीन एम क्यूब इतना तो हमारा मोटर यूज हुआ वन रेशो सिक्स का आपका सीमेंट मोटार आपसे पूछा सीमेंट बैग्स तो वॉल्यूम ऑफ सीमेंट हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ सीमेंट ये कितना होगा रेशो का अगर हम देखें तो फिफ्टीन इंटू वन डिवाइडेड बाई सिक्स प्लस वन ठीक है तो फिफ्टीन डिवाइडेड बाई सेवन टू पॉइंट वन फोर टू एम क्यू टू पॉइंट वन फोर टू एम क्यू ठीक है अब नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स अगर आपको निकालने हैं सीमेंट बैग्स उसके लिए हम क्या करेंगे कि सीमेंट के एक बैग का जो वॉल्यूम है उसको डिवाइड कर देंगे टोटल वॉल्यूम ऑफ सीमेंट से एक बैग का वॉल्यूम होता है थर्टी फाइव लीटर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो थर्टी फाइव इंटू टेन की पावर माइनस थ्री तो टू पॉइंट वन फोर टू मीटर क्यूब डिवाइडेड बाई थर्टी फाइव इंटू टेन की पावर माइनस थ्री ये जो चीज़ हमने लिखी वॉल्यूम ऑफ वन बैग ऑफ सीमेंट 2.142 डिवाइडेड बाय 35 61.17 सिक्सटी वन ठीक है क्वेश्चन में अगर देखें ऑप्शन तो हमारा बी ऑप्शन सही होगा जिसमें आ रहा आपका सिक्सटी टू बैग्स क्योंकि सिक्सटी वन से जो ज्यादा हुआ आपका तो राउंड फिगर में हम पॉइंट वन सेवन का कोई बैग नहीं आएगा तो सिक्सटी टू बैग्स ठीक है सिक्सटी वन से इंक्रीज होते ही फिर आपको एक एक्स्ट्रा बैग यूज करना पड़ेगा तो ऑप्शन आप, होगा आपका बी ऑप्शन आपका यहां पर सही होगा ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन इज एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ बिल्टअप प्रॉपर्टी एट द एंड ऑफ इज यूजफुल लाइफ विदाउट बींग डिसमेंटल्ड ठीक है द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ बिल्टअप प्रॉपर्टी कोई प्रॉपर्टी आपकी एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ उसकी यूजफुल लाइफ खत्म हो गई विदाउट बींग डिसमेंटल्ड लेकिन आपने उसको डिसमेंटल नहीं किया ठीक है तो अब यहां पर दो चीजें अगर यूजफुल लाइफ खत्म होने के बाद जो डिसमेंटल्ड कॉस्ट होती है वो तो होती है हमारी स्क्रैप वैल्यू ठीक है और यूजफुल लाइफ खत्म होने के बाद में जो विदाउट डिसमेंटल वैल्यू होगी वो हमारी होगी यहां पर सेल्वेज वैल्यू ठीक है अगर यहां पर ऐसा लिखा होता कि यूजफुल लाइफ आफ्टर द डिसमेंटल्ड तो फिर हम उसको बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू ठीक है तो स्क्रैप वैल्यू तो क्या होगी आफ्टर द डिसमेंटल्ड डिसमेंटल ठीक है सेलवेज वैल्यू होगी विदाउट डिसमेंटल्ड बुक वैल्यू होती है जो हर साल आपका डेप्रिसिएशन होने के बाद में जो हमारी वैल्यू बचती है वो हमारी बुक वैल्यू है और मार्केट वैल्यू ये होगी कि जब आप उसको सेल करोगे तो सेल करने के लिए जो उसकी आप वैल्यूएशन देखोगे तो वो फिर आपकी उससे उस प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू मिलेगी ठीक है? ये उसकी एक्चुअल कॉस्टिंग से ज़्यादा भी भी हो सकती, कम भी हो सकती, सकती, कम डिपेंड करता है कि सप्लाई एंड डिमांड, तो फिर वैल्यू होती है, आपकी स्क्रैप वैल्यू नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर प्लास्टरिंग यूजली नो डिडक्शन इज मेड फॉर ठीक है जब प्लास्टर के लिए हम एस्टिमेशन uh, करेंगे तो कब हम डिडक्शन नहीं लेंगे तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन हैं यहाँ पर तो एंड्स ऑफ बीम जो बीम के एंड्स पोर्शन होते हैं उसके लिए हम uh, कोई डिडक्शन नहीं लेते हैं जैसे बीम आपका एंड हो गया बीम का आप क्या निकालते हो क्वांटिटी बीम का जो एंड पोर्शन होगा जैसे आपने हम प्लास्टर लेते हैं सरफेस एरिया ठीक है तो सरफेस एरिया हो आपकी लेंथ और हाइट वा लेंथ ये अगर बीम है मेरा तो लेंथ और विड्थ इधर वाला पोर्शन देखूंगा तो लेंथ और डेप्थ इधर वाला पोर्शन देखूंगा तो लेंथ इनटू डेप्थ ठीक है एंड वाले पोर्शन का हम कोई डिडक्शन नहीं लेते हैं ठीक है तो एंड्स ऑफ बीम का हम कोई डिडक्शन नहीं लेंगे स्मॉल ओपनिंग अप टू दी पॉइंट फाइव मीटर स्क्वायर इसके लिए हमारे पास डेटा इस तरीके से है कि अप टू जीरो पॉइंट फाइव मीटर स्क्वायर नो डिडक्शन 0.5 फाइव मीटर स्क्वायर से थ्री मीटर स्क्वायर डिडक्शन इन वन साइड ऑफ ठीक है वॉल के दोनों तरफ करना है इंटरनल पोर्शन पे भी करना है आउटर पे भी तो एक तरफ ही लेंगे डिडक्शन आउटर वाले पे नहीं लेंगे ठीक है या फिर आउटर वाले पे ले लेंगे तो इनर वाले पे नहीं लेंगे और अगर ग्रेटर देन थ्री मीटर स्क्वायर है तो डिडक्शन फोर बोथ साइड कई बार इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाता है तो हमारा क्या है अप टू दी जीरो पॉइंट फाइव स्क्वायर मीटर तो कोई डिडक्शन नहीं लेंगे ए भी सही है बी भी सही है एंड ऑफ राफ्टर जो कंप्रेशन मेंबर होंगे ट्रस्ट के उसमें भी कोई डिडक्शन नहीं लेंगे तो यहां पर जो ऑप्शन है आपका वो सही है डी ठीक है और ये डेटा आपके इंपॉर्टेंट है से रिलेटेड भी क्वेश्चन बन सकता है कि जीरो पॉइंट फाइव तक कोई डिडक्शन नहीं है जीरो पॉइंट फाइव से थ्री तक वन साइड है ए की तरफ होगा क्योंकि वॉल पे प्लास्टर होगा तो इनर पर भी होगा आउटर पर भी होगा तो उसमें से एक तरफ ही हम डिडक्शन लेंगे और अगर तीन मीटर स्क्वायर से ज्यादा है तो डिडक्शन फोर बोथ साइड दोनों तरफ के लिए हम डिडक्शन लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेट इंस्टॉलमेंट ऑफ पीरियोडिकल पेमेंट फॉर रीपेमेंट ऑफ द कैपिटल अमाउंट इन्वेस्टेड इन ए प्रोपर्टी फॉर स्पेसिफाइड पीरियड इज कोल्ड ठीक है यहां पर ये पूछा है कि द नेट इंस्टॉलमेंट ऑफ पीरियोडिकल पेमेंट पीरियोडिकल पेमेंट का मतलब ये होता है एक सेम टाइम पर एक साल या एक महीने का जो पीरियोडिकल आप पेमेंट करोगे किसके लिए रीपेमेंट ऑफ द कैपिटल अमाउंट आपने किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए जो लोन लिया है वो जो आपका कैपिटल अमाउंट है उसको अगर आपको रीपेमेंट करना है इंस्टॉलमेंट के थ्रू पीरियोडिकल टाइम पर ठीक है जो आपने इन्वेस्ट किया किसी स्पेसिफाइड प्रॉपर्टी के लिए और किसी स्पेसिफाइड पीरियड के लिए तो वो जो आपकी इंस्टॉलमेंट बन रही है रीपेमेंट के लिए पीरियडिकली उसको आप बोलते क्या हो ठीक है ये पूछा है तो अगर आपने कोई भी कैपिटल अमाउंट इन्वेस्ट किया किसी प्रॉपर्टी को कंप्लीट करने के लिए तो फिर उसके जो हर साल आपको उसकी रीपेमेंट के लिए जो इंस्टॉलमेंट बनेगी आपकी उसको हम क्या बोलते हैं तो उसको हम बोलते हैं एन्यूटी उसको हम बोलते हैं एन्यूटी ठीक है अब यहाँ पर और चीज़ें सी क्या है मोडगेज क्या होगा मोडगेज होगा लोन ओवर ए प्रॉपर्टी ठीक है जब आप लोन लेने जाते हो तो आपकी कोई ना कोई जो प्रॉपर्टी होती है वो उसको गिरवी रखते हैं तो वो जो जो आप प्रॉपर्टी गिरवी रख रहे हो उसको हम बोलते हैं मोडगेज ठीक है अमोटाइजेशन अमोटराइजेशन का मतलब ये है कि जिस टाइम पीरियड में आपने जो आपका कैपिटल अमाउंट था उसको कंप्लीट किया ठीक है उसको हम बोलते हैं अमोर्टाइजेशन ठीक है कि जैसे आपने 10 साल में कंप्लीट किया आपके कैपिटल अमाउंट जो आपका कर्जा था उसको कंप्लीट तो उस 10 साल को बोलेंगे हमो अमोर्टाइजेशन ठीक है और एप्रिसिएशन ही होगा एप्रिसिएशन होता है अपोजिट ऑफ एप्रिसिएशन होता है अपोजिट ऑफ ऑफ डेप्रीसिएशन डेप्रिसिएशन तो हमने देखा किसी भी प्रॉपर्टी की जो कॉस्ट है उसमें जो वैल्यू है उसमें डिक्रीमेंट हो रहा है एप्रिसिएशन में इंक्रीमेंट होता है ठीक है तो यहां पर ये यह चारों को हमने डिफाइन किया हमारा जो क्वेश्चन पूछा था उससे आंसर हमारा एन्यूटी है किसी भी कैपिटल अमाउंट को स्पेसिफाई uh, पीरियड के लिए आपने लोन लिया फिर उसका आप जो पीरियोटिकली जो इंस्टॉलमेंट आपकी बनेगी रीपेमेंट के लिए वो आपकी क्या होती है एन्यूटी ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेथड यूज टू मेक एन एस्टिमेट इज एस्टिमेट को बनाने के लिए कौन कौन से मेथड यूज होते हैं तो थिन वॉल थिक वॉल मेथड सेंटर लाइन मेथड बोथ एंड बी सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेथड ठीक है तो थिक वॉल थिन वॉल कोई मेथड नहीं होता लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड होगा सेंटर लाइन मेथड हम यूज करते हैं जब ए सही नहीं है तो सी वाला भी आपका ऑप्शन सही नहीं है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेथड कोई होता ही नहीं है, ठीक है तो जो आपका एस्टिमेट को बनाने के लिए मेथड होता है वो होता है सेंटर लाइन मेथड ठीक है अब क्वेश्चन एक ये बनता है कि जब आप बिलिंग करते हो जैसे आपका कंस्ट्रक्शन होता है तो पहले आप एस्टिमेट बनाओगे एस्टिमेट के लिए जो डिटेल एस्टिमेट बनाओगे उसके लिए आपको डिटेल ड्रॉइंग और प्लानिंग चाहिए तो जो ड्रॉइंग है उनसे आप सेंटर लाइन मेथड के थ्रू एस्टिमेट बना लेते हो ठीक है लेकिन जब आप बिलिंग करोगे जब आपको आफ्टर दी कंस्ट्रक्शन आपको बिल बनाना है तो एक्चुअल डायमेंशन आप लोगे तो उस केस में आप सेंटर टू सेंटर डायमेंशन सेंटर डायमेंशन नहीं ले सकते जैसे ये रूम है मेरा और ये एक्चुअल में कंस्ट्रक्ट हो गया तो आप ये वाले जो डायमेंशन है ये वॉल के अंदर आपको ड्रिल करके सेंटर वाली डिस्टेंस आप नहीं लोगे तब आप क्या करोगे कि रूम के अंदर की इनर टू इनर और आउटर टू आउटर डायमेंशन आप ले सकते हो ठीक है तो जो बिलिंग के टाइम पे जो आपका मेथड होगा वो मेथड वहां पे यूज़ होता है लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल क्योंकि एक्चुअल डायमेंशन आप ले रहे होते हो तो बाहर से बाहर वाला और अंदर से अंदर वाली डायमेंशन आप ले लेते हो ठीक है लेकिन यहां पर एस्टिमेशन के लिए पूछा था तो थिक वॉल थिन वोल की जगह अगर आपका लॉन्ग वोल शॉर्ट वॉल होता तब तो आपका ऑप्शन होता बोथ ए एंड बी नेक्स्ट क्वेश्चन इज पिक अप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग इन स्टेटमेंट में से कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है ये आपको बताना है तो फर्स्ट वाला है द बिल्टअप कवर्ड एरिया एट द फ्लोर लेवल ऑफ एनी स्टोरी ऑफ ए बिल्डिंग इज कॉल्ड प्लिंथ एरिया ठीक है फ्लोर लेवल पर जो बिल्ट अप कवर एरिया है बिल्ट अप कवर एरिया का मतलब यह है कि यह मेरा प्लॉट है पूरे प्लॉट पे कंस्ट्रक्शन नहीं होता तो जो आपका बिल्ट अप एरिया विद इंक्लूडिंग दी वॉल थिकनेस ये आपका प्लिंथ एरिया होता है ठीक है तो ए ऑप्शन आपका सही है सेकेंड यह कि द यूजेबल कवर्ड एरिया ऑफ रूम ऑफ एनी स्टोरी ऑफ बिल्डिंग इज़ कॉल्ड कारपेट एरिया यूजेबल कवर एरिया का मतलब ये है कि जहाँ पर जो ऑक्यूपेंसी होगी जहाँ पर जैसे मैं बोलूँ कि सैनिटरी uh, वाले जो अकोमोडेशन है जैसे वॉशरूम टॉयलेट वॉशरूम है वहाँ पर आपका uh, आप लिवेबल एरिया नहीं वहाँ पर आप रहोगे नहीं किचन जो है वहाँ पर भी आप रहोगे नहीं तो जो रूम वाला और जो आपका बीच में जो uh, जो हॉल वाले जो ये जो सारे एरिया होंगे इनके जो फ्लोर का एरिया होगा वॉल की विड्थ को हटाने के बाद में वो आपका कार्पेट एरिया होता है तो वही यहां पर स्टेटमेंट में लिखा हुआ है द यूजेबल कवर्ड एरिया ऑफ रूम ऑफ एनी स्टोरी ऑफ ए बिल्डिंग इज कॉल्ड कारपेट एरिया ठीक है उस पूरे उसमें से जो पूरा प्लॉट है उसमें से कितना यूजेबल है कितना ऐसा एरिया जिस पर आप रहते हो ठीक है वो सारा आपका कारपेट एरिया है ठीक है तो ये ऑप्शन भी सही है अब प्लेन्थ एरिया जो होता है उसमें हम वॉल की विड्थ को भी इंक्लूड करते हैं जो आपकी वॉल है उनकी को इंक्लूड करेंगे पूरे में जितना है, वो सारा हमारा क्या ठीक है तो वो फ्लोर एरिया ठीक है area, अगर एरिया प्लिंथ, प्लिंथ में से मैं वॉल की को हटा देता हूं तो जो बचेगा एरिया वो सारा मेरा होगा फ्लोर एरिया तो यहां पर अगर हम लिखें फ्लोर एरिया इज इक्वल टू प्लेन्थ एरिया माइनस वॉल सभी वॉल की विर्थ ठीक है और उस फ्लोर एरिया में भी जो आपका लिवेबल एरिया है वो होता है आपका कारपेट एरिया ठीक है वॉल की विर्थ हटाने के बाद में फिर सारे जो फ्लोर है अब उसमें से भी जो आपके सेनेटरी अकोमोडेशन है किचन है जिनमें आप रहते नहीं हो तो वो सब हटा दोगे तो फिर बचेगा आपका कारपेट एरिया ठीक है तो यहाँ पर जो थर्ड स्टेटमेंट है वो इसी से रिलेटेड है कि द कार्पेट एरिया ऑफ ए बिल्डिंग अलोंग विद अब उसमें आप एड कर रहे हो अलोंग विद इट्स किचन पेंट्री स्टोर लेबोरेटरी बाथरूम एंड ग्लेस्ड वरेंडा इज कॉल्ड फ्लोर एरिया ठीक है सही है ये सारी चीज़ें जो इसमें ऐड कर रहे हैं वो सारी आपकी लिवेबल एरिया नहीं है ठीक है तो कारपेट एरिया में जब फिर आप किचन बाथरूम ये सारी चीज़ें ऐड कर दोगे तो फिर क्या बचेगा फ्लोर एरिया ठीक है क्योंकि मैंने बोला ये फ्लोर एरिया क्या होता है प्लिनथ एरिया में से वॉल के विटर हटा देते हो तो फ्लोर एरिया जितने पर फ्लोरिंग होती है आप ऐसे देख लो जहां जहां पर फ्लोरिंग होगी वो फ्लोर एरिया ठीक है अब उस फ्लोर एरिया में से भी जो आपका रहने लायक एरिया जिस पर आप रहोगे वो सारा आपका कारपेट एरिया है ये मैंने बोला था यहां उल्टा गीवन है कि कारपेट एरिया में अगर आपने ये जो सारी चीज़ें जो आपकी अकोमोडेशन नहीं है किचन नहीं है पेंट्री स्टोर नहीं है लेबोरेटरी नहीं है बाथरूम नहीं है इनको एड कर दोगे तो आपको मिल जाएगा फ्लोर एरिया और फ्लोर एरिया में अगर आपने वॉल की विर्थ को भी एड कर दिया तो आपको क्या मिल जाएगा प्लिथ एरिया ठीक है तो यहां पर तीनों एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन है तो ए बी सी तीनों स्टेटमेंट आपके सही है और यहां पर पूछा था आपको गलत स्टेटमेंट कौन सा है तो नन ऑफ दी नन ऑफ दीज यहां पर ऑप्शन आपका सही होगा कोई भी ऑप्शन आपका गलत नहीं है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ब्रिक वर्क इज नॉट मेजर्ड इन स्क्वायर मीटर इन केस ऑफ इनमें से किस केस के लिए ब्रिक वर्क को स्क्वायर मीटर में कैलकुलेट नहीं किया जाता है ठीक है हनी कॉम ब्रिक वर्क को हम स्क्वायर मीटर में ही कैलकुलेट करते हैं हनी कॉम ब्रिक वर्क होती है किसी भी पैसेज में या कोई भी गलियारा है आपका उसके दोनों तरफ ब्रिक वर्क अगर आपने किया है ब्रिक की वॉल है लेकिन आपको वेंटिलेटेड वर्क ब्रिक वर्क करना है तो हम इस तरीके से स्पेस छोड़ करके ब्रिक वर्क करते हैं ठीक है तो ये खाली स्पेस ही खाली स्पेस जिसपे से लाइट आ सके तो उसको तो हम बोलते हैं हनी कॉम्बिंग ब्रिक वर्क तो ये मिटे स्क्वायरमीजर होती है ब्रिक फ्लेट सोलिंग मिटे स्क्वायरमीजर होती है ये क्या होता है कि जब आपकी जो जो सोइल है एक्सकेवेशन वाली जो सोइल है एस्केवेट करने के बाद में आपकी सोइल है वो सॉफ्ट है तो पीसीसी बिछाने से पहले हम ब्रिक के टुकड़ों की ब्रिक के टुकड़ों की एक लेयर बिछाते हैं उसके बाद में हम पीसीसी को आ, बिछाते हैं तो उसे हम बोलते हैं पर ब्रिक सोलिंग तो ये स्क्वायर मिजर होती है हाफ ब्रिक वॉल ऑफ पार्टीशन पार्टीशन वॉल वाली जो ब्रिक वर्क होती है वो भी आपकी मीटर स्क्वायर में मिजर होती है ठीक है हाफ ब्रिक वॉल का मतलब ये है कि ये आपकी ब्रिक है इसकी डायमेंशन है जैसे ब्रिक है यह लेंथ है विड्थ है ठीक यह ये ये लेंथ है आपकी ये विड्थ हो जाएगी और ये हाइट हो जाएगी ठीक है तो जब आप इस तरीके से ब्रिक को रखोगे इस तरीके से अगर आप ब्रिक की मैसनरी करोगे तो वो हाफ ब्रिक वॉल है इस तरीके से करोगे तो आप वो उस, आपकी फुल ब्रिक वॉल है ठीक है तो एक एक ईट की जो आपकी जो दीवार बनती है जिसको हम बोलते हैं पार्टीशन वॉल पार्टीशन वॉल का मतलब क्या है वो सिर्फ दो रूम के बीच में पार्टीशन करने के काम आती है कोई लोड को रजिस्ट नहीं करती है, ठीक है तो उसका जो जो कैन क्वान्टिटी कैलकुलेट की जाती है वो मीटर स्क्वायर में कैलकुलेट की जाती है लेंथ और उसकी हाइट ठीक है अब जो लास्ट वाली है वन पॉइंट वन वन और वन बाई टू मतलब थ्री बाई टू जो वॉल होगी डेढ़ वॉल एक वो ब्रिक तो आप ऐसे रखोगे एक आप इस तरीके से रखोगे तो उसकी जो क्वान्टिटी होती है वो मीटर क्यूब में कैलकुलेट की जाती है सिर्फ हाफ ब्रिक वॉल की ही क्वांटिटी को मीटर स्क्वायर में मेजर किया जाता है जब मैसनरी की बात करते हैं ठीक है तो मैसनरी तो यहां पर पूछा है कि किसको स्क्वायर मीटर में measure नहीं करते हैं तो ये है है से मतलब जो उसको हम मीटर क्यूब में मेजर करते हैं तो ऑप्शन सही होगा आपका डी बाकी जो तीनों है इनको हम मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं <coughs> Next, while preparing a estimate, जब आप estimate बनाते हो तो यहाँ पर बोला डायमेंशन शुड बी मीजर्ड करेक्ट टू जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन मीटर एरिया शुड बी मीजर्ड करेक्ट टू जीरो पॉइंट जीरो जीरो फाइव मीटर स्क्वायर वॉल्यूम शुड बी मीजर्ड करेक्ट टू जीरो पॉइंट जीरो वन क्यूबिक मीटर एंड ऑल ऑफ दिस ठीक है ये आपका एक्यूरेसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि जब आप मीज़र करते हो एरिया मीजर करते हो तो कितनी एक्यूरेसी तक मीजर करते हो वॉल्यूम मीजर करते हो तो कितनी एक्यूरेसी तक मीजर करते हो डायमेंशन मीजर करते हो तो कितनी एक्यूरेसी तक मीज़र करते हो ठीक है <coughs> तो यहां पर अगर हम देखें तो ऑल दी एरियाज आर मीजर्ड अप टू एक्यूरेसी ऑफ जीरो पॉइंट जीरो जीरो पॉइंट जीरो वन मीटर स्क्वायर डेसिमल के दो डिजिट तक की एक्यूरेसी तक हम मीजर करते हैं नेक्स्ट वॉल्यूम के लिए बात करेंगे आर मेजर्ड अप टू एक्यूरेसी ऑफ जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन जीरो पॉइंट जीरो वन मीटर क्यूब ठीक है एरिया को जीरो पॉइंट जीरो वन मीटर स्क्वायर वॉल्यूम को जीरो पॉइंट जीरो वन मीटर क्यूब और थर्ड वाला ऑल दी cross section dimension of of beam column and slab are measured at the accuracy of 0 0.005 meter ठीक है जो भी क्रॉस सेक्शन डायमेंशन होगी बीम की स्लेब की कॉलम की जैसे बीम है इसकी क्रॉस सेक्शन डायमेंशन क्या होगी और डेप्थ कॉलम की भी इस तरीके से और स्लेब की डायमेंशन उसकी थिकनेस ठीक है तो ये है जीरो पॉइंट जीरो जीरो फाइव मीटर तक की एक्यूरेसी तक मेजर करते हैं अब यहां पर अगर हम ऑप्शन देखें डायमेंशन शुड बी करेक्टेड टू जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन मीटर और जो अदर डायमेंशन होगी ये तो क्रॉस सेक्शन डायमेंशन है अदर डायमेंशन आर मीजर्ड अप टू दूरे ऑफ जीरो पॉइंट जीरो वन मीटर ठीक है अदर डायमेंशन जितनी भी है वो 0.01 मीटर तक होगी एक्यूरेसी तक एरिया जो होगा वो 0.01 मीटर स्क्वायर वॉल्यूम जो होगा वो होगा 0.01 मीटर क्यूब और क्रॉस सेक्शन डायमेंशन ऑफ बीम कॉलम स्लैब वो होगी 0.005 मीटर तक की एक्यूरेसी तक ठीक है अब हम ऑप्शन देखेंगे तो डायमेंशन शुड बी करेक्टेड टू जीरो पॉइंट जीरो वन जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन नहीं होकर के जीरो पॉइंट जीरो वन तक की एक्यूरेसी तक मेज़र करते हैं एरिया शुड बी मेजर्ड करेक्टेड टू जीरो पॉइंट जीरो जीरो फाइव मीटर स्क्वायर यह भी नहीं होगा हम मेजर करते हैं जीरो पॉइंट जीरो वन मीटर स्क्वायर तक वॉल्यूम शुड बी मीज़र करेक्टेड टू जीरो पॉइंट जीरो वन मीटर क्यूब यह आपका सही है और ऑल ऑफ द अबाव आपका सही नहीं हो सकता ठीक है तो यहाँ पर ये आपके डेटाज है <coughs> एरिया को अगर आपको देखना है तो जीरो पॉइंट जीरो वन मीटर स्क्वायर तक वॉल्यूम भी जीरो पॉइंट जीरो वन मीटर क्यूब क्रॉस सेक्शन डायमेंशन ऑफ बीम कोलम स्लेब वो आपका जीरो पॉइंट जीरो जीरो फाइव मीटर और जो आपका अदर डायमेंशन है वो जीरो पॉइंट जीरो वन मीटर तक की एक्यूरेसी तक हम मेजर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज द आइटम ऑफ स्टील वर्क विच इज नॉट मेजर्ड इन स्क्वायर मीटर इनमें से किस स्टील वर्क की क्वांटिटी को स्क्वायर मीटर में मेजर नहीं किया जा सकता ठीक है तो फिर से हमने क्वांटिटी क्वांटिटी वाले हमने काफ़ी क्वेश्चन लिए क्योंकि क्वांटिटी वाले क्वेश्चन की फ्रिक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा होती है अगर एस्टिमेशन में से क्वेश्चन पूछना है अगर दस क्वेश्चन पूछेंगे तो दो क्वेश्चन ऐसे होंगे जो क्वांटिटी से रिलेटेड आएंगे ठीक है और एक क्वांटिटी के क्वेश्चन में आपको चार क्वांटिटीज आपकी क्लियर होती है इसलिए हमने यहाँ पे क्वांटिटीज़ के क्वेश्चन रखे हैं ठीक है तो कौन सी क्वांटिटी को स्क्वायर मीटर में मेजर नहीं किया जाता है? ये आपसे पूछा है तो कोलेप्सिकल गेट जो होता है इसको मीटर स्क्वायर में मेजर किया जाता है ये होता है जो पहले आपके चैनल गेट लगा करते थे जिसको हम ऐसे शटर की तरफ ओपन करते थे और बंद करते थे तो उसको हम कोलेपसीबल गेट बोलते हैं उसको मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं रोलिंग शटर हम देख चुके हैं जो शॉप्स के होते हैं स्टील डोर इनको भी हम मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं स्टील री को हम मेजर करते हैं के में तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा ठीक है तो स्टील के जो आपके गेट हैं अगर वो मीटर स्क्वायर में रोलिंग शटर आपके मीटर स्क्वायर में कोलेप्सिकल गेट भी मीटर स्क्वायर में और जो री स्टील है वो आपकी केजी में टन में मेजर की जाती है ठीक है पूछा है द वॉल्यूम ऑफ क्रॉस एग्रीगेट रिक्वायर्ड टू मेक हंड्रेड एम क्यूब ऑफ वन रेशो टू रेशो फोर कॉन्क्रीट सो मीटर क्यूब की वन रेशो टू रेशो फोर रेशो की कॉन्क्रीट बनाने के लिए कितना क्रॉस एग्रीगेट आपको रिक्वायरमेंट है तो इस रेशो में आपका यह होता है सीमेंट ये होता है सैंड या फिर फाइन एग्रीगेट यह आपका कोर्स एग्रीगेट ठीक है अब आपको वॉल्यूम गिवन है हंड्रेड एम क्यू ठीक है अब इस टाइप के क्वेश्चन में यह ध्यान रखना है कि यह आपको वॉल्यूम कौन सा गिवन होता है इस वाले क्वेश्चन में इस तरह के क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है कि वॉल्यूम आपको कौन सा गिवन होता है ये जो वॉल्यूम होता है ये होता है फिनिश्ड वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट ठीक है आफ्टर दी कॉन्क्रीटिंग उसके बाद में हम प्लेस कर देंगे और फिर कॉम्पैक्ट कर देंगे फिर उसके बाद में श्रिंकेज हो जाएगा उसके बाद में जो आपकी फिनिश वॉल्यूम मिलेगा वो यहां पर गिवन होता है ठीक है और ये कैसे ये क्यो, ये क्यों किस तरीके से गिवन होता है क्योंकि ये देखा जाता है आपका ड्रॉइंग से भाई आपको बोला है कहीं पर कॉलम है और कॉलम की आपको कॉन्क्रीटिंग करवानी है तो आपसे पूछेंगे कि भाई कितना कॉन्क्रीट चाहिए तो आप क्या करोगे ड्राइंग में जाओगे कितनी डायमेंशन है कितनी हाइट है वो आप निकाल करके बता दोगे ठीक है लेकिन वो तो कब चाहिएगा जब आपका फिनिश्ड हो जाएगा वॉल्यूम लेकिन जब वो कॉन्क्रीट बनाने वाला है तो वो उन सबको ड्राई फॉर्म में ऐड करेगा और ड्राई फॉर्म में ऐड करने पर जो ड्राई फॉर्म वाला जो वॉल्यूम होता है वो फिनिश्ड होने के बाद जो वॉल्यूम होता है उससे काफ़ी ज़्यादा होता है ठीक है तो जब आपसे क्वांटिटी कोर्स एग्रीगेट की पूछिए तो वो भी कब किस फॉर्म में पूछी होगी जब ड्राई फॉर्म में भाई आपसे सीमेंट पूछा था इससे पहले तो सीमेंट हम उस मोटर मिक्स में तो सीमेंट ही निकालेंगे किसी को बोलेंगे तो वो ड्राई फॉर्म में मिलाएगा तो हमें ड्राई वॉल्यूम रिक्वायरमेंट होता है हर जगह तो इस तरह के क्वेश्चन में जो कॉन्क्रीट होता है उस कंक्रीट के वॉल्यूम को ये फिनिश वॉल्यूम है इससे इसको ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करके हम आंसर निकालते हैं और ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के लिए जो आपका वॉल्यूम है उसका पचास से पचपन एरिया हम इंक्रीज कर देते हैं ठीक है तो यहां पर इस क्वेश्चन में जब आप फिफ्टी इंक्रीज करोगे तब आपका एग्जेक्ट ऑप्शन मैच हो रहा है फिफ्टी परसेंट में हमारा एग्जैक्ट ऑप्शन मैच नहीं हो रहा ठीक है तो हम फिफ्टी इंक्रीज करेंगे तो टू कन्वर्ट एन ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट ये हो जाएगा 1.55 पॉइंट फाइव फाइव इंटू दंड्रेड यहां पर हम लिख भी देते हैं ड्राई वॉल्यूम इज फिफ्टी टू फिफ्टी फाइव परसेंट मोर देन फिनिश्ड वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट जो कंक्रीट है उसका जो फिनिश्ड वॉल्यूम है उसका 50 से 55 पर, परसेंट ज्यादा कितना होता है 50 से परसेंट पचपन परसेंट ज्यादा वो ड्राई वॉल्यूम होता है ठीक है तो हम ले रहे हैं यहां पर <coughs> 55 परसेंट क्योंकि हमारा आंसर उसी से ही मैच होगा ठीक है अब तो आपका इससे जो वैल्यू आई वो आई है वन फिफ्टी फाइव मीटर क्योंकि ड्राई फॉर्म में निकल गया सारे आपके जो कॉन्स्टिट्यूंट है वो सब ड्राई फॉर्म में है पूछा गया है आपसे आपसे पूछा है कोर्स एग्रीगेट कोर्स एग्रीगेट का जो होता है वो होता है फोर ये लास्ट वाला रेशियो फोर कोर्स एग्रीगेट का होता है तो कोर्स एग्रीगेट का अगर आप निकालोगे वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट इज इक्वल टू फोर डिवाइडेड बाय वन प्लस टू प्लस फोर इंटू दिफ्टी फाइव ठीक है तो यहां पर ही हो जाएगा फोर बाई सेवन इंटू दिफ्टी फाइव एटी एट पॉइंट फाइव सेवन जो आपका ऑप्शन होगा जो बी ऑप्शन है वो आपका इसमें करेक्ट है ठीक है ग्राउटिंग ऑफ़ क्रैक्स इज मीज़र्ड इन ठीक है क्रैक्स में अगर आपको ग्राउटिंग करनी है तो वो किसमें मेजर की जाएगी तो सबसे पहले हम देखते हैं ग्राउटिंग क्या होता है ठीक है तो प्रेशर से हम मोटर सीमेंट मोटर या फिर सीमेंट कंक्रीट को फिल करते हैं कहाँ पर कहीं गैप्स हैं अगर कहीं पर कहीं गैप है वहाँ फिल करेंगे टाइल वाली प्रोसेस में अगर हमको टाइल्स के बीच में फिल करना है वहाँ फिल करेंगे प्री स्ट्रेसिंग में हम फिल करते हैं कि पोस्ट टेंशनिंग में आफ्टर दी टेंडम को जब हम खींच देंगे फिर उसके बाद में हम ग्राउटिंग करके उसको फिल कर देते हैं ठीक है कहीं क्रैक्स है तो वहाँ पर हम ग्राउटिंग करते हैं तो यहाँ पर क्रैक्स के लिए ग्राउटिंग की क्वान्टिटी पूछिए तो ग्राउटिंग को हम दो क्वान्टिटी में मेजर करते हैं एक बार तो हम करते हैं मीटर स्क्वायर में और एक करते हैं हम मीटर में ठीक है तो जब हम ग्राउटिंग करेंगे इन गैप्स कहीं गैप में अगर आपको ग्राउटिंग करनी है वहां पर मीटर स्क्वायर में मीजर होता है और व्हेन ग्राउटिंग इन क्रैक्स तब आपका मीजर होता ही है मीटर में ठीक है तो यहां पर जो सही ऑप्शन होगा वो हमारा होगा बी अगर जनरल ग्राउटिंग की बात होती है तो वो मीटर स्क्वायर में और अगर स्पेसिफिकली क्रैक्स के अंदर आपको ग्राउटिंग करनी है तो वो हो जाएगी आपकी मीटर में ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ ए बिल्डिंग किसी बिल्डिंग की कैपिटलाइज वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है इज फाइव परसेंट ठीक है जो आपकी हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो पांच परसेंट अब इस कैपिटलाइज वैल्यू को समझने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं ईयर्स परचेज क्या होता है तो ईयर्स परचेज ईयर्स परचेज ये बोलता है कि किसी गिवर इंटरेस्ट रेट पर मैं कितने रुपए इन्वेस्ट करूं कि मुझे एनुअली वन रुपीज का इंटरेस्ट मिले ठीक है मैं कितने रुपए ऐसे इन्वेस्ट करूं कि मुझे एक रुपए का इंटरेस्ट मिले गिवन इंटरेस्ट रेट पर ठीक है तो जैसे हम अगर हम बोलें कि भाई सौ रुपये हमने इन्वेस्ट किए और आपकी इंटरेस्ट रेट है फोर परसेंट तो एनुअल इंटरेस्ट है फोर रुपीज़ जब सौ रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो चार परसेंट की इंटरेस्ट रेट से मुझे कितना मिल रहा है चार रुपये ठीक है सौ का चार परसेंट कितना हो जाएगा आपका चार uh, <coughs> रुपये मुझे कितना चाहिए मुझे चाहिए एक रुपये और एक रुपये चाहिए तो मैं कितने इन्वेस्ट करूँ तो अगर मुझे एक रुपये चाहिए तो उसके लिए हम कितना इन्वेस्ट करेंगे हम क्या करेंगे हम सौ का या फिर ऐसे लिखेंगे इसको टू गेट वन रुपीज़ इंटरेस्ट सौ पे मुझे मिल रहा है चार रुपए और मुझे चाहिए एक रुपया तो मैं क्या कर दूंगा सो को चार से डिवाइड कर दूंगा ठीक है या फिर ऐसा देख लो कि आप जो ट्वेंटी होगा वो आपका कितना हो जाएगा वन रुपीज ठीक है जो ट्वेंटी फाइव का जो जैसे कि आप ऐसे देख लो इसको कि हंड्रेड था आपका उसका फोर परसेंट था तो आपको मिल रहा था फोर रुपीज ठीक है हमें चाहिए वन रुपीज इंटरेस्ट रेट जो है आपकी वो कांस्टेंट है इंटरेस्ट रेट आपकी कांस्टेंट है तो ये जो फोर है इसको मैं हंड्रेड से डिवाइड कर दूंगा तो वन रुपीज के लिए हंड्रेड डिवाइडेड बाई फोर इंटू डिवाइडेड बाई हंड्रेड ये क्या हो जाएगा आपका ट्वेंटी फाइव और इससे मुझे क्या मिल जाएगा वन ठीक है तो सौ रुपए मैंने इन्वेस्ट किया चार परसेंट रेट से तब तो मुझे चार रुपए मिल रहे हैं लेकिन मेरी जो ईयर्स परचेज की डेफिनेशन बोलती है कि कितना इतने कितने रुपए मैं इन्वेस्ट करूं कि मुझे गिवन इंटरेस्ट रेट पर हर साल एक रुपए का इंटरेस्ट मिलता रहे ठीक है तो उसके लिए हमने क्या करा सौ को हमने किससे डिवाइड कर दिया चार से अगर यही चीज पांच परसेंट के लिए होती तो हम सौ को किससे डिवाइड कर देते पांच से तो बीस का पांच परसेंट जो होगा आपका वो कितना होगा वन रुपीज़ तो ईयर परचेज़ इससे क्या आया ईयर परचेज को अगर हम अब फॉर्मूले में लिखे हम तो हम यहाँ पर कर क्या रहे थे तो ईयर्स परचेज़ तो है हमारा डिवाइडेड हमने क्या करा चार से डिवाइड किया और चार क्या था आपका इंटरेस्ट रेट जैसे मैं बोलूं कि पांच परसेंट इंटरेस्ट रेट है और सौ रुपए को इन्वेस्ट किया तो मुझे कितना मिलेगा पांच रुपए अब मैं बोल रहा हूं कि मुझे एक रुपए चाहिए तो मैं सौ से पांच को डिवाइड करूंगा तो बीस रुपए अगर मैं इन्वेस्ट करूं पांच परसेंट के इंटरेस्ट रेट से तो मुझे एक रुपए मिलेगा तो हम कर क्या रहे हैं हम हंड्रेड को डिवाइड कर रहे हैं इंटरेस्ट रेट से ये तो हमारा ईयर परचेज है ठीक है न रुपीज आपका फिक्स है और आपको कितना इन्वेस्ट करना है गिवन इंटरेस्ट रेट पे तो आप क्या करोगे हंड्रेड से उस इंटरेस्ट रेट को डिवाइड कर दोगे ठीक है क्योंकि आप हंड्रेड ही इन्वेस्ट करोगे उस इंटरेस्ट रेट पर तो आपको उतना ही रुपये मिल जाएगा जैसे मैं दस परसेंट की इंटरेस्ट रेट और हंड्रेड इन्वेस्ट करूंगा तो मुझे दस रुपए मिलेंगे लेकिन मुझे कितना चाहिए एक रुपए तो मैं हंड्रेड से उस इंटरेस्ट रेट को डिवाइड कर दूंगा तो मुझे एक रुपये के मिलने के लिए कितना मैं इन्वेस्ट करूं वो पता चल जाएगा वो तो ईयर्स परचेज है कई बार इससे बेसिस पे भी आपके क्वेश्चंस आते हैं ठीक है अब हमें पता करना है कैपिटलाइज वैल्यू क्या है कैपिटलाइज वैल्यू होगी हमारी कि हमने सपोज करो हमने किसी बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के लिए कुछ पैसा लोन लिया ठीक है और लोन लेने के बाद में आफ्टर दी कंप्लीशन उस लोन का आपको जो इंटरेस्ट है जो आपको इंस्टॉलमेंट है वो पे करनी है ठीक है तो और जब आपने बिल्डिंग कंप्लीट कर दी तो उसका आपको कुछ रिटर्न मिल रहा होगा रिटर्न का मतलब रेंट आ रहा होगा या आपको कुछ प्रॉफिट जनरेट हो रहा होगा यहां पर बोला गया है आपका क्या जनरेट हो रहा है रेंट जनरेट हो रहा है ट्वेंटी का तो हम क्या करेंगे कैपिटलाइज वैल्यू को इस तरीके से इन्वेस्ट करेंगे कि जो हमारा जो इंस्टॉलमेंट आ रही है वो इंस्टॉलमेंट हमारे किसके इक्वल आ जाए एनुअल रेंट के ठीक है तो हम कितने रुपए इन्वेस्ट करें कि हमारी जो आ, इन, जो इंस्टॉलमेंट है वो आपके रेंट या प्रॉफिट के इक्वल हो जाए कब प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट के लिए जो सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट है उसके अकॉर्डिंग हमारी जो जो रेंट आ रहा है वो रेंट हमारे इंस्टॉलमेंट के इक्वल हो जाए तो हम कितना रुपा एस, कितने रुपए ऐसे लोन लें वो हमारा क्या है कैपिटलाइज वैल्यू ठीक है तो अब इसको कैसे रिलेट करते हैं कि ईयर परचेज बोलता है वन रुपीज का इंटरेस्ट के लिए आप कितने रुपए इन्वेस्ट करोगे लेकिन हम यहां पर कितने का हमें यहाँ पर चाहिए कितने रुपए हमें चाहिए हमें बीस हज़ार की इंटरेस्ट रेट चाहिए क्योंकि हमारा रेंट भी कितना है बीस हज़ार का हमें इंटरेस्ट चाहिए क्योंकि हमारी रेट भी कितनी है जो हमारा रेंट भी कितना है वो कितना है बीस हज़ार ठीक है इसको ऐसे रिलेट करो कि ईयर परचेज़ तो वन रुपीज़ के लिए आपने निकाल लिया किसी गिवन इंटरेस्ट रेट पर आपको एनुअली वन रुपीज़ चाहिए तो आप कितने रुपए इन्वेस्ट करोगे ये आपका ईयर परचेज़ था कैपिटलाइज वैल्यू बोल रही है कि मेरा रेंट मेरी इंस्टॉलमेंट के बराबर आ जाए तो इसके लिए मैं कितना लोन लूँ उस प्रॉपर्टी को बनाने के लिए ठीक है तो अब क्या करोगे आपने ईयर परचेज एक रुपये के लिए निकाला है ठीक है हमें रिटर्न कितना चाहिए जो हम इंटरेस्ट जो हमें पे करेंगे वो कितना देना हमें बीस हज़ार का तो जो आपका वन रुपीज़ के लिए आप कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हो वही चीज़ अगर आपको बीस हज़ार के लिए करनी है तो आप क्या करोगे ईयर परचेज से इस क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर दोगे ठीक है एक रुपये के लिए जितना इंटरेस्ट रेट है उससे अगर आपको कुछ पैसा जैसे एक रुपये जैसे यहाँ पे पाँच परसेंट की इंटरेस्ट रेट है ठीक है और मुझे पाँच परसेंट के इंटरेस्ट रेट से हर साल एक रुपये का अमाउंट चाहिए तो मैं कितने रुपये इन्वेस्ट करूँगा वो तो मेरी क्या होगी ईयर परचेज ठीक है हंड्रेड डिवाइडेड बाई फाइव लेकिन ये कितने के लिए एक रुपये के लिए लेकिन हमें कितना देना है पैसा बीस हजार तो हम क्या करेंगे वन की जगह बीस हज़ार हो गया तो बीस हज़ार को किससे मल्टीप्लाई कर दो आप ईयर परचेज से क्योंकि ईयर परचेज तो बता रहा वन रुपीज़ के लिए लेकिन हमें चाहिए किसके लिए बीस हजार के लिए तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू हमारी होती है जो कैपिटलाइज्ड वैल्यू होगी हमारी <coughs> कैपिटलाइज वैल्यू वो होगी हमारी एनुअल रेंट इनटू इयर्स परचेज ठीक है तो एनुअल रेंट तो हमारा आ रहा है बीस हजार ईयर परचेज होगा हंड्रेड डिवाइडेड बाई ंग इंटरेस्ट रेट कितनी गिवन है आपको पांच परसेंट डिवाइडेड बाय फाइव ठीक है ये इससे ट्वेंटी टाइम्स कैंसिल आउट फोर जीरो 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 ठीक है तो ये आपका आ गया फोर लेख अब अगर आप ऑप्शन देखोगे तो जो डी ऑप्शन है वहां पर हमारा सही ऑप्शन गिवन है ठीक है क्लियर है ईयर परचेज को हमने क्लियर किया कि एक रुपया अगर आपको चाहिए किसी गिवन इंटरेस्ट रेट पर तो आप कितने रुपए इन्वेस्ट करोगे वो ईयर परचेज है कैपिटलाइज वैल्यू ये बोलती है कि आपको कोई प्रॉपर्टी बनानी है तो आप कितना ऐसा लोन लो कि जो आपको प्रॉफिट मिल रहा है या रेंट मिल रहा है उस प्रॉपर्टी से वो आपकी इंस्टॉलमेंट के इक्वल हो जाए ठीक है तो एक रुपये की इंटरेस्ट आपको मिल रहा है वो तो ईयर परचेज थी लेकिन उसकी जगह हमें एक रुपये की जगह कितना चाहिए बीस हज़ार की इंटरेस्ट रेट चाहिए तो हम कितना इन्वेस्ट करें तो ईयर परचेज से बीस हज़ार को हमने मल्टीप्लाई कर दिया ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इज बर्न आर प्रोवाइडेड इन कैनाल इफ दीज आर कैनाल में बर्न कब प्रोवाइड करते हैं तो यहां पर कुछ ऑप्शन हैं फुली इन एक्सकेवेशन कैनाल आपकी पूरी एक्सक्यवेशन में पार्शली इन एक्सकेवेशन एंड पार्शली इन एम्बैकमेंट फुली इन एम्बैकमेंट एंड ऑल ऑफ द अबाव अब देखो इसमें ऑल ऑफ द अबाव तो कभी सही हो ही नहीं सकता क्योंकि सारी केसेस अलग अलग हैं ठीक है फुली इन एक्सकीवेशन है वो अलग चीज़ है पार्शियल एस्केवेशन पार्शियल एम्बेकमेंट वो अलग चीज़ है और फुली इंड एम्बेकमेंट वो अलग चीज़ है ठीक है तो हम देखते हैं बर्न क्या होता है <coughs> ये है मेरी कैनाल है ये अगर मेरा एम्बैकमेंट है और ये फिर मेरा एस्केवेशन है ये तो मेरा एम्बेकमेंट है ये मेरा एस्केवेशन है ये मेरा बर्म होता है ठीक है तो जब आपका पार्शली इन एस्केवेशन एंड पार्शली इन एम्बेकमेंट होगा तब हम इसको प्रोवाइड करते हैं ठीक है तो ऑल ऑफ दवाओ तो सही हो ही नहीं सकता क्योंकि सारी अलग अलग केसेस हैं, तो जब पार्शली इन एम्बेकमेंट एंड पार्शली इन एस्केवेशन है तो ये जो आपका पोर्शन है ये वाला आपका बर्म है तब इसको हम प्रोवाइड करते हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एरिया ऑफ स्लोपिंग सरफेस ऑफ ए प्रोटेक्टिव एम्बेकमेंट ऑफ ए मीन हाइट डी साइड स्लोप एस वन एंड एस रेशो वन एंड लेंथ इज एल ठीक है कोई आपका एम्बेकमेंट है जिसकी लेंथ एल है साइड स्लोप आपका एस रेशो वन है और जो मीन हाइट है जो मीन पोर्शन जो हाइट का जो मीन है वो आपका डी है तो आपसे पूछा है कि जो स्लोपिंग सरफेस के लिए जो प्रोटेक्टिव एम्बेकमेंट है तो उसका एरिया कितना होगा ठीक है तो पहले हम इसका डायग्राम बनाते हैं ये आपका एम्बेकमेंट का ये आपका एम्बेकमेंट का एक पोर्शन है ये उसका सेकंड पोर्शन होगा ठीक है और इसमें यह आपकी लेंथ है ठीक है और ये यहां पर भी आपको डेफ गिवन है डी यहां पर भी डेप्थ आपको गिवन है डी ठीक है जो मेन हाइट है यहां पर डी वन और डी डी टू एक्चुअली और जो आपकी मेन पे जो आपको हाइट गिवन है वो आपकी होगी कोई डी उसको डी दे दिया तो आपसे पूछा स्लोपिंग सरफेस का एरिया कितना होगा स्लोपिंग सरफेस कौन सी होगी यहां पर ये जो आपकी सरफेस है ये आपकी स्लोपिंग सरफेस है ठीक है अब इसको किस तरीके से स्लोपिंग सरफेस का मतलब क्या है कि जो आपका शेप है वो ट्रेपेजोइडल का है और जो स्लोपिंग वाली सर्फेसेज हैं जैसे ये आपका फ्लैट है और ये जो मेरे हैंड है ये स्लोपिंग सर्फेस है तो स्लोपिंग सर्फेस पर इरोजन को प्रिवेंट करने के लिए हम प्रोटेक्टिव लेयर बिछाते हैं ठीक है इरोजन <coughs> को प्रिवेंट करने के लिए हम प्रोटेक्टिव लेयर बिछाते हैं इसे स्टोन पिचिंग बोलते हैं तो स्लोपिंग सरफेस पे जो प्रोटेक्टिव लेयर बिछाओगे उसका एरिया कितना ये आपसे पूछा है ठीक है तो इसके लिए एक बार हम क्रॉस सेक्शन एरिया बनाते हैं इसका ये मीन पर ही मैं बना रहा हूं मीन इसलिए लिया क्योंकि एक तरफ d1 है एक तरफ d2 है तो कोई आपको मीन हाइट लेनी पड़ेगी तो उनका एवरेज ले लिया जाता है जनरली तो यहां पर अगर मैंने मीन पे बोलू मैं ये हमारी कुछ वेड होगी ये हमारी डेप्थ है ठीक है स्लोप जो आपको गिवन है एस ऑरिजोंटल वन वर्टिकल एस ऑरिजोंटल वन वर्टिकल ठीक है तो वन वर्टिकल जाओगे तो एस ऑरिजोंटल हमें जाना है तो यहां पर हम इसको इस प्रपेंडिकुलर डालें ये तो आपका बी के इक्वल ये वाली जो आपकी डिस्टेंसेज है वो डिपेंड करेगी आप कि वर्टिकल वर्टिकल तो कितना वर्टिकल गए हम डी पर वर्टिकल गए तो हॉरिजॉन्टल कितना होगा जब वन वर्टिकल जाते हो वन वर्टिकल एस हॉरिजॉन्टल डी वर्टिकल एस इंटू डी हॉरिजॉन्टल तो यहां पर एस डी यहां पर भी एस डी ठीक है अब इसमें अगर आप देखो तो ये स्लोपिंग सरफेस इंटू दी लेंथ कर रहे हैं हम ठीक है तो स्लोपिंग सरफेस की जो डायमेंशन होगी वो आप कैसे निकालोगे देखो ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल में अगर आप देखो ट्राइंगल प्रॉपर्टी से तो ये वाली जो वैल्यू है ये स्लोपिंग फेस सरफेस है आपकी इसकी क्वांटिटी अगर आपको निकालनी तो ये कितनी होगी अंडर रूड एस डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर एस अगर आप बाहर ले लोगे सॉरी डी <coughs> अगर आप बाहर ले लोगे तो एस स्क्वायर प्लस वन ठीक है ये तो ये वाली सरफेस होगी ये तो इसकी डायमेंशन होगी इनटू दी लेंथ हमारा क्या होगा स्लोपिंग सरफेस जिस पर हमें प्रोटेक्टिव लेयर बिछानी है ठीक है तो एरिया ऑफ स्लोपिंग सरफेस वो कितना होगा ये स्लोप वाली साइड इनटू दी लेंथ तो एल इंटू डी इंटू द एस स्क्वायर प्लस वन ठीक है अब इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जाता कि एफ क्वेश्चन में अगर इस तरीके से पूछा जाता कि व्हाट इज दी दी क्वांटिटी ऑफ स्टोन पिचिंग स्टोन पिचिंग की जो क्वांटिटी है वो क्या होगी कि दो तरफ की आपकी इधर वाली भी स्लॉपिंग सरफेस है उस तरफ वाली भी स्लॉपिंग सरफेस है तो दोनों पर आप स्टोन पिचिंग करोगे तो टू टाइम्स ऑफ टू टाइम्स ऑफ एल डी इंटू एस स्क्वायर प्लस वन ठीक है ये तो स्टोन पिचिंग की क्वांटिटी होगी दोनों तरफ करोगे यहां पर पूछा है जो स्लोफिंग सरफेस जिस पर आप प्रोटेक्टिव लेयर बिछाओगे उसका एरिया कितना है तो वो तो आपका आएगा एल इंटू डी एस स्क्वायर प्लस वन हम यहां पर अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो एल इंटू एल इंटू डी एस स्क्वायर प्लस वन ठीक है तो यहां पे पूछा था <coughs> एरिया ऑफ द स्लोपिंग सरफेस ऑफ ए प्रोटेक्टिव एम्बेकमेंट ऑफ मीन है जो स्लोपिंग सर्फेस है जिस पर आपको प्रोटेक्टिव एम्बेकमेंट रखना है जहां पर आपको स्टोन पिचिंग करनी है तो वो तो ये है और डायरेक्टली स्टोन पिचिंग की क्वांटिटी पूछते तब आपका ये वाला ऑप्शन सही होता क्वांटिटी ऑफ ऑफ स्टोन पिचिंग ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्लिथ एरिया रेट एंड प्लिथ एरिया ऑफ ए बिल्डिंग प्लिथ एरिया रेट तो गिवन है फाइव हंड्रेड फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड पर स्क्वायर मीटर एंड प्लिन एरिया आपका वन फिफ्टी स्क्वायर मीटर ठीक है वॉट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग कंसिडरिंग कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रीफिकेशन सेवन परसेंट इलेक्ट्रीफिकेशन की कॉस्ट सेवन परसेंट है कॉस्ट ऑफ सैनिटरी फिटिंग जो सैनिटरी फिटिंग होगी वो सिक्सटीन परसेंट है कॉस्ट ऑफ रोड्स एंड लॉन्स आपकी 6.5 परसेंट है एंड कॉस्ट ऑफ कंटीजेंसीज आपकी 4.5 परसेंट है ठीक है प्लेन एरिया रेट दे दी प्लेन एरिया दे दिया तो इससे आपकी जो कॉस्ट होगी एस्टिमेटेड कॉस्ट वो क्या होगी प्लेन एरिया रेट इन टू दी एरिया ठीक है अब उसके बाद में उस कॉस्ट का सात इलेक्ट्रिफिकेशन है सोलह परसेंट फिटिंग है रोड और लॉन्स के लिए आपका सिक्स है एंड कॉस्ट ऑफ कंटीजेंसी आपकी फोर पॉइंट है तो उस इन सबको जोड़ने के बाद में आपकी कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग निकलेगी ठीक है कंटीजेंसी अगर हम बोले तो कंटीजेंसी को आप डिस, अगर हम डिस्कस करें तो कंटीजेंसी ये होता है कि कुछ इस तरह के आइटम ऑफ वर्क होते हैं जो कि हम कंस्ट्रक्शन में किसी पर्टिकुलर आइटम में उसको ले नहीं सकते जैसे आपको कोई जो सारे वर्कर्स हैं उनके लिए पानी की जो अरेंजमेंट है जो इलेक्ट्रिफिकेशन जो होगी वहाँ पर ड्यूरिंग दी कंस्ट्रक्शन तो इस तरह के काफ़ी ऐसे खर्चे हो जाएंगे कॉन्ट्रैक्टर के जो किसी आइटम ऑफ वर्क में हम नहीं ले पाएंगे तो उन सभी का पैसा कुछ परसेंटेज ऑफ अमाउंट दिया जाता है तीन से पाँच जो आपका एस्टिमेटेड कॉस्ट में उसको हम बोलते हैं कंटीजेंसी फुटकर खर्चे इसे बोला जाता है ठीक है <coughs> तो यहाँ पर जो आपका कोस्ट ऑफ प्लेंथ एरिया कोस्ट वो होगा फिफ्टीन डबल फाइव 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 जीरो जीरो इन प्लेन एरिया कितना आपका 150 स्क्वायर मीटर ये था पर मीटर स्क्वायर ये आपका स्क्वायर मीटर इंटू वन तो ये आ रहा है आपका इससे एट टू फाइव जीरो जीरो ठीक है अब इस कोस्ट पर हम ऐड करेंगे इलेक्ट्रिसिटी का इलेक्ट्रिसिटी का कितना है आपका इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए सेवन परसेंट तो सेवन परसेंट या फिर हम लिखेंगे इलेक्ट्रिफिकेशन इलेक्ट्रफिकेशन कोस्ट एट टू फाइव जीरो जीरो इन एक्टू फाइव ट्रिपल जीरो इंटू सेवन बाई हंड्रेड इलेक्ट्री इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए कितना था आपका सात परसेंट तो इंटू सेवन डिवाइडेड बाई हंड्रेड तो फिफ्टी सेवन थाउजेंड से ठीक है नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रिफिकेशन के बाद में सैनिटरी फिटिंग सैनिटरी फिटिंग्स एक्ट टू सैनिटरी फिटिंग के लिए आपका परसेंटेज है 16 परसेंट डिवाइडेड बाय 100 वन लेख थर्टी टू थाउजेंड नेक्स्ट है इसके बाद में रोड कंस्ट्रक्शन के लिए सिक्स पॉइंट फाइव परसेंट एट टू फाइव ट्रिपल जीरो इन टू फिफ्टी थ्री थाउजेंड सिक्स ट्वेंटी फाइव एंड लास्ट में कंटीजेंसी लास्ट में आपका कंटीजेंसी कितना है फोर पॉइंट फाइव परसेंट होगा एट टू फाइव फोर पॉइंट फाइव डिवाइडेड बाई हंड्रेड थर्टी सेवन थाउजेंड वन ट्वेंटी फाइव अब ये जो टोटल आपका अमाउंट होगा वो आपका कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग होगी तो एटी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड एट टू फाइव ट्रिपल जीरो प्लस प्लस फाइव थ्री टोटल कोस्ट जो आ रही है वो इन सब का समेन होगा टोटल कॉस्ट होगा आपका दिस वैल्यू प्लस दिस प्लस दिस एंड दिस और ये आ रही है आपकी वन वन ज़ीरो फाइव फाइव ज़ीरो ज़ीरो ठीक है वन वन ज़ीरो फाइव फाइव डबल ज़ीरो पर जो डी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट है ठीक है तो प्लिनथ एरिया रेट आपको गिवन थी प्लेथ एरिया भी गिवन था उसके बाद में फिर जो एक्स्ट्रा कॉस्ट थी वो गिवन थी तो सारी आपकी जो आपका प्लेथ एरिया रेट के बाद में जो आप प्लिन एरिया वाली कॉस्ट निकालोगे उसमें सब एड होती चली जाएगी ठीक है उस कॉस्ट की सात परसेंट आपकी इलेक्ट्रिफिकेशन एले, थी कॉस्ट ऑफ सैनिटिफिटिंग सिक्सटीन परसेंट रोड और लॉन्स की जो है वो सिक्स पॉइंट फाइव परसेंट एंड कंटीजेंसी आपकी फोर पॉइंट फाइव परसेंट करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम इसमें से हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है टोटल लेंथ ऑफ सेंटर लाइन ऑफ फोर वोल इज इस गिवन प्लान की जो सेंटर लाइन है वो हमें वो आपकी ट्वेंटी मीटर है इसको हमें चेक करेंगे उसके बाद में फिर हम चेक करेंगे लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल की लेंथ ठीक है तो एक बार इस प्लान को हम बनाते हैं फिर से <coughs> इस तरीके से आपका प्लान गिवन है डायमेंशन अगर हमें देखें तो सिक्स पॉइंट एट मीटर सॉरी और ये वाली डायमेंशन हमारी फोर पॉइंट एट मीटर ये आपकी है एटीएम टी सब तरफ एटीएम टी में एक ही तरफ गिवन है मतलब सब तरफ आपकी जो विड थे वो एटीएम टी में ठीक है अब सेंटर लाइन की बात की जाए तो जो सेंटर लाइन होगी आपकी वो होगी मीन्स सभी के सेंटर अगर ड्रॉ कर दूं ठीक है जो चारों वोल हैं इनके विथ को हम अगर सेंट, इन सबके हम कट करते हैं सेंटर से तो जो ये जो पॉइंट है आपके सारे ये वाला इस की, इस पॉइंट पॉइंट की की और ये वाली जो डिस्टेंस है, इसको जब यहां से स्टार्ट होकर फिर से मैं आ जाऊंगा ये मेरी सेंटर लाइन की लेंथ है ठीक है इसमें अगर आप देखो तो ये वाली डायमेंशन कितनी होगी अब ये सिक्स पॉइंट एट है इधर से हाफ ऑफ 8.8 पॉइंट एट बाई टू इधर माइनस होगा इधर से पॉइंट एट बाई टू माइनस होगा तो सिक्स पॉइंट एट में से जीरो पॉइंट एट माइनस होगा तो ये कितनी हो जाएगी सिक्स पॉइंट एट माइनस का जीरो पॉइंट एट बाई टू तो ये होगा आपका सिक्स मीटर सेम इसकी भी वही लेंथ होगी इसकी अगर हम देखें ये भी क्या होगा विथ सेम है तो पॉइंट एट बाई टू पॉइंट एट बाई टू फोर फोर पॉइंट एट माइनस का जीरो पॉइंट एट बाई टू माइनस का जीरो पॉइंट एट बाई टू यह आ जाएगी फोर मीटर और ये भी कितनी हो जाएगी आपकी फोर मीटर ठीक है तो सेंटर लाइन की अगर लेंथ निकालें तो दो लेंथ तो आपकी दो लेंथ तो आपकी सिक्स मीटर की है और दो आपकी कितनी है फोर मीटर की तो लेंथ ऑफ ऑफ सेंटर लाइन ये क्या होगी टू इंटू सिक्स प्लस टू इंटू फोर तो ये आपकी आ रही है ट्वेंटी मीटर तो फर्स्ट ऑप्शन तो आपका सही है कि जो टोटल लेंथ है सेंटर ऑफ सेंटर लाइन ऑफ फोर वॉल वो आपकी ट्वेंटी मीटर है ठीक है लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल आउट टू आउट इज and length of एंड लेंथ ऑफ to वॉल आउट टू आउट इज अब देखो इसमें यहां से हम देख लेते हैं लॉन्ग वॉल हमने बोली थी जो आउटर टू आउटर डायमेंशन है उसको हम बोल रहे थे लॉन्ग वॉल ठीक है तो ये करेक्ट है शॉर्ट वॉल हम किसे बोलते हैं तो लॉन्ग वॉल आपकी कितनी है जो आपको पहले से आउटर डायमेंशन गिवन है वो सिक्स पॉइंट एटी है शॉर्ट वॉल हम बोलते हैं इसको ठीक है तो ये आपको यहां से यहां तक फोर पॉइंट एट जीरो और आपको शॉर्ट वॉल चाहिए तो इसमें से क्या माइनस होगा ये वाली विथ्थ माइनस होगी और ये वाली विथ्स भी माइनस होगी और ये कितनी है पॉइंट एड पॉइंट एड कितना होगा आपका वन पॉइंट सिक्स तो जो शॉर्ट वॉल हम निकालेंगे वो कितनी हो जाएगी 4.80 माइनस का 0.8 माइनस का 0.8 ठीक है ये आ रही आपकी 3.20 तो लॉन्ग वॉल आपकी 6.80 शॉर्ट वॉल आपकी 3.20 तो लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल आउट टू आउट इज 6.80 एंड लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल इन टू इन इज 3.20 तो ऑल ऑफ द अबव आपका करेक्ट ऑप्शन है ठीक है तो <coughs> आपसे सेंटर लाइन की लेंथ भी पूछी थी और लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल की लेंथ में भी पूछी थी गिवन प्लान के लिए हमने दोनों को कैलकुलेट किया नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डिपार्टमेंट लुक्स आफ्टर दी एग्जीक्यूशन एंड मेंटेनेंस ऑफ वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी वर्कस ठीक है कौन सा डिपार्टमेंट आपका वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी वर्क्स का मेंटेनेंस देखता है तो ये इसके लिए जो आपका डिपार्टमेंट होगा अभी आपने फॉर्म भी फिल किया होगा तो उसमें एक पब्लिक हेल्थ एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट था पब्लिक हेल्थ यहाँ पर पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट भी बोल देते हैं राजस्थान में पी एच ई डी ए पब्लिक हेल्थ एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट का काम होता है जितनी भी गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स हैं उन सब का मैंटेनेस एंड डेवलपमेंट करना पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट का काम होगा वाटर सैनिटेशन जो आपका वाटर सप्लाई एंड आफ्टर दी जो सीवेज आपका बनता है उसको ट्रीट करके और उसको डिस्पोज करना ये वर्क होता है वॉटर सप्लाई डिपार्टमेंट का ठीक है <coughs> तो यहां लिफ्ट अलाउड फॉर वर्क इन एक्सकेवेशन ऑफ फाउंडेशन आर ठीक है फाउंडेशन में एस्केवेशन के लिए नॉर्मल लीड एंड लिफ्ट आपकी क्या होगी तो so, सबसे पहले हम देखते हैं लीड एंड लिफ्ट क्या होती है ठीक है तो जैसे ये मेरी ग्राउंड लेवल है ठीक है ग्राउंड लेवल से यहां पर तो मेरा एम्बेकमेंट है और यह मैंने कुछ एक्सकेवेशन किया ये इसकी सेंटर लाइन है यह इसका सेंटर पॉइंट है और मैंने इसको इस तरीके से सेंटर को हमने इंटरसेक्ट किया ठीक है तो बेकमेंट और एक्सकेवेशन की जो सेंटर टू सेंटर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये वाली जो डायरेक्शन है ये तो है हमारी लीड ठीक है और जो मेरी वर्टिकल डिस्टेंस है ये वाली ये होती है लिफ्ट ठीक है तो सेंटर ऑफ एम्बेकमेंट और एक्सकेवेशन या फिर दो एक्सकेवेशन भी हो सकते हैं आपके या दो एम्बेकमेंट भी तो उनके जो सेंट्रोइड है जो जो आपका जैसे इस तरह का शेप का मैंने एस्केवेशन किया और इस तरह का मेरा एम्बेकमेंट था तो जो उनके सेंट्रोइड है उन सेंट्रोइड के बीच में जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो लीड होती है और जो वर्टिकल डिस्टेंस होती है वो आपकी लिफ्ट होती है ठीक है लीड हम लेते हैं थर्टी मीटर के अकॉर्डिंग और लिफ्ट हम लेते हैं वन पॉइंट फाइव मीटर ठीक है जैसे हम बोलेंगे कि मीटर का हमने हमारे बीच जो हमारे सेंट्रोइड के बीच की डिस्टेंस है 60 मीटर तो हमारी लीड कितनी होगी टू और अगर हम बोलें कि भाई हमारा थ्री <coughs> मीटर का हमारा डिस्टेंस है वर्टिकल दोनों के सेंट्रोइड में तो लिफ्ट कितनी हो गई टू ठीक है तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी थर्टी मीटर एंड वन मीटर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ डिसमेंटल मटेरियल आफ्टर डिडक्शन ऑफ कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग जो आपका डिसमेंटल मटेरियल है उसकी डिसमेंटलिंग कॉस्ट को हटाने के बाद में जो आपकी वैल्यू बचती है वो आपकी वैल्यू क्या होगी तो वो आपकी होती है स्क्रैप वैल्यू ठीक है सेलवेज वैल्यू आप देख चुके हो सेलवेज वैल्यू होती है कि जब आपने डिसमेंटल नहीं किया तब आपकी कॉस्ट कितनी वो आपकी सेलवेज वैल्यू है रेटेबल वैल्यू यह होती है कि उसकी जब आप आपकी प्रॉपर्टी है उसको आपको सेल करना है तो जब आप उसकी वैल्यूएशन कराते हो तो वो वैल्यू रेटेबल वैल्यू होती है ठीक है स्क्रैप वैल्यू को हमने बताया डिस्मेंटलिंग कोस्ट को हटाने के बाद में जो स्क्रैप जो वैल्यू बचती है कई बार क्या होता है डिस्मेंटलिंग कोस्ट आपकी जो वैल्यू बचेगी उसकी स्क्रैप में उससे ज़्यादा हो जाती है तो स्क्रैप वैल्यू कई बार नेगेटिव भी होगी ठीक है कि आपको जैसे किसी बिल्डिंग को आपको डिसमेंटल करके उसके जो डिसमेंटलिंग मटेरियल उनको सेल करना है और पता चले कि जो आपने डिसमेंटल में जितनी कॉस्ट लगाई उसके बाद में आपको जो स्क्रैप मिला उसकी इतनी कॉस्टिंग आई नहीं तो उस केस में जो आपकी स्क्रैप वैल्यू है वो नेगेटिव में आ जाएगी ठीक है जैसे मैं बोलूँ कि मेरे को बीस हज़ार रुपये में हमें जो पुर, पुरानी बिल्डिंग थी उसको डिसमेंटल करवाने में हमारी कॉस्ट आई और उसके जो मटेरियल जो सेंड सेल हुआ वो थर्टी थाउजेंड का सेल हुआ तो स्क्रैप वैल्यू कितनी है थर्टी थाउजेंड माइनस ट्वेंटी थाउजेंड टेन थाउजेंड ठीक है लेकिन इसकी जगह आपका स्क्रैप वैल्यू जो इसका आपका डिसमेंटलिंग मटेरियल था वो दस में ही सेल होता तो आपकी स्क्रैप वैल्यू क्या हो गई माइनस टेन थाउजेंड क्योंकि आपको डिसमेंटलिंग में ज़्यादा पैसा लग गया तो इसका मतलब ये कि स्क्रैप वैल्यू आपकी नेगेटिव भी हो सकती है कई बार क्वेश्चन आता है तो स्क्रैप वैल्यू कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव वो डिपेंड करेगा कि आपके जो डिसमेंटलिंग मटेरियल है उसकी कितनी कॉस्ट आपको आ रही है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ एम्बेकमेंट ऑफ ए कैनाल फुली इन एम्बेकमेंट रेफर द गिवन फिगर बिलो ये जो आपको एम्बेकमेंट गिवन है इसका आपको एरिया निकालना है अर्थवक्त का एरिया आपसे यहां पर पूछा है तो वो एरिया हम कैसे निकालेंगे अभी हमने जस्ट ऐसे ही एरिया फाइंड आउट किया था इसके जैसे ही तो इसका एरिया आपको इसका जो ये जो पोर्शन है एम्बेकमेंट इसका एरिया और इस एम्बेकमेंट का जो पोर्शन है इसका एरिया इनको आपको एड करना है ठीक है विर्थ आपको यहाँ पर बी वन की बन है इसकी विर्थ आपको बी टू की बन है हाइट है एच और जो स्लोप है वो आपका एस रेशो है तो मैं यहां पर हम इसको इस लाइन को कट करते हैं ये इसको यहां पर इस तरीके से इसको यहां मिलाएंगे इस वाले को यहां मिलाएंगे ठीक है इसमें ये तो आपका है ये तो आपका है बी वन और यह आपका बी टू ठीक है और यह जो बचा हुआ पोर्शन है ये कितना हो जाएगा वन वर्टिकल इज इक्वल टू एस होरिजोनटल आपको क्या है। वन वर्टिकल जाएंगे तो एस होरिजोनटल होगा तो ये बचेगा कितना गए हम वर्टिकल में एच तो एच वर्टिकल जाएंगे तो एस एच हमारा रिजोंटल होगा तो ये हो गया एस एच इधर वाला पोर्शन भी आपका कितना हो गया एस एच इधर देखोगे तो यहाँ पर भी सेम है एस एच और यहाँ पर भी आपका एस एच ठीक है अब आपको एरिया फाइंड आउट करना है तो एरिया या तो आप डायरेक्टली ट्रेपेजोडल का एरिया निकाल लो या फिर आप क्या करो बीच में एक रेक्टेंगुलर है और दो इधर उधर इधर भी एक ट्राइंगल है इधर भी एक ट्राइंगल है सेम यहाँ पर भी बीच में एक रेक्टेंगुलर है इधर ट्राइंगल अलग है और इधर ट्राइंगल आपका अलग है ठीक है तो हम क्या करेंगे इस वाले का एरिया हम निकाल रहे हैं सबसे पहले तो दोनों ट्राइंगल का एरिया अलग और रेक्टेंगुलर का अलग तो रेक्टेंगुलर का तो हो जाएगा बी वन इंटू दी एच प्लस टू टाइम्स ऑफ हाफ इंटू विड्थ इं हाइट विड्थ कितनी है एस एच दी टू ठीक है प्लस प्लस इस वाले का हम निकालेंगे

टू इंटू इधर वन बाई टू ट्राइंगल के एरिया निकाल रहे टू से टू कैंसिल आउट एस एच स्क्वायर प्लस इधर आप देखोगे बी टू एच टू से टू कैंसिल आउट एस एच स्क्वायर ठीक है एच यहां पर इन दोनों में एच कॉमन लेंगे तो एच बी वन प्लस बी टू प्लस एस एच स्क्वायर एस एच स्क्वायर टू टाइम्स ऑफ एस एच स्क्वायर तो सिंप्लीसाइड फॉर्म इज B1 plus B2 into h plus 2s h square. ठीक है तो so, अगर आप ऑप्शन चेक करें तो फर्स्ट ऑप्शन इज़ B1 वन प्लस बी टू टू इंटू एच प्लस टू एस एच स्क्वायर यहाँ पे टू एक्स्ट्रा है टू इंटू बी वन प्लस बी टू एच प्लस टू एस एच स्क्वायर सेम वो लिखा हुआ है ये B1 वन प्लस बी टू इंटू एच प्लस टू एस एच स्क्वायर हमारा भी यही आ रहा है एंड नेक्स्ट इज़ थ्री एस एच स्क्वायर ये भी आपका गलत होगा तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका सी है तो सिंपल सा था हमने सिर्फ नॉर्मल मैथमेटिक्स लगा करके उसका एरिया निकाला है ठीक है और आपसे यही पूछा था कि उस एम्बेकमेंट का एरिया कितना होगा ठीक है तो यहाँ पर हमने एस्टिमेशन कॉस्टिंग के कुछ क्वेश्चन को एनालाइज़ किया उसके साथ में जो उन क्वेश्चन से रिलेटेड जो क्वेश्चन जो कॉन्सेप्ट थे उनको भी डिस्कस करने की यहाँ पर कोशिश की आज के लिए इतना ही थैंक यू